هدى للناس. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. بڑی خوشی و مسرت کا وقت ہے کہ ترجمے کی دنیا ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور خصوصاً علماء اکرام کو اس مجال اور اس فن میں اپنے کیریئر کی شروعات کیسے کی جائے، اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام جو ڈاکٹر ابو مظہر خالد صدیقی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ یہ پروگرام آگے بڑھے گا. اس موقع پر سب سے پہلے ہم اس بزم کی شروعات قرآن مجید کی تلاوت سے برادرم اور ہر دل عزیز شیخ ابو عمر عبدالعزیز کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت سے اس بزم کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ان شاء اللہ یہ جو پروگرام ہے بہت ہی اطمینان کے ساتھ کافی اہم محاور پر مشتمل ہے جو تقریباً دو گھنٹے سے زائد انشاءاللہ یہ پروگرام رہے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو پروگرام کا تعارف اور جو ہمارے سپیکر ہیں ان کا تعارف، اور اس کے علاوہ کچھ مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی. تو بلا تاخیر ہم لوگ پروگرام کی شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ جو پروگرام ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹرانسلیشن ہے کیا چیز. ٹرانسلیشن کا معنی ہی ہوتا ہے کہ ڈاٹا اور معلومات کو منتقل کرنا جس سے علمی اور ثقافتی معلومات کو حاصل کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ ترجمانی
ये एक ऐसा मजाल है जिससे तर्जुमे और ट्रांसलेशन के जरिए अक्वाम की तहजीब, तमद्दुन और कल्चर की मालूमात हासिल की जाती हैं और उसको एक जुबान से दूसरे जुबान में मुंतकिल किया जाता है। और ट्रांसलेशन की अहमियत खास करके आलम सियाहत को फरोग देने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। और ट्रांसलेशन एक ऐसा जरिया है जो बहुत से अफराद के रोजगारी का सबब और जरिया बना हुआ है। तो बहर कैफ, अगर हम मादी हवालों से हटकर अगर इल्मी पहलू से देखें तो इस तर्जुमे और ट्रांसलेशन के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह काफी तलबा और उलमा, उम्महातुल कुतुब और जो मराजे और मसादिर हैं उस तक उनकी आसानी से रसाई मुमकिन हुई। तो बहर कैफ, तर्जुमा और ट्रांसलेशन की अहमियत और उसके जो फजाइल हैं वो किसी से मख्फी नहीं है। अब यहाँ हमारे दरमियान जो मेहमान खसूसी हैं, स्पीकर हैं अबू मजहर खालिद सिद्दीकी साहब, जो कि बड़े इत्मीनान के साथ और वाइजाना अंदाज से हटकर आपको इस फील्ड से इंशाअल्लाह बगैर तकल्लुफात के मुकम्मल तारुफ कराने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, ये एक मनसा है, एक स्टेज है जिससे उलमा इकराम जुड़कर अपने तर्जुमे और फ्यूचर और कैरियर के हवाले से इंशाअल्लाह पेशरफ्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारे मेहमान है अबू मजहर खालिद सिद्दीकी साहब, मैं चाहूंगा कि मुख्तसर तारुफ आपके सामने रखूं। जिनकी फरागत 2005 में उमराबाद से हुई, आलिमियत और फजीलत का शहादा इन्होंने हासिल किया। फिर उसके बाद 2006 में उन्होंने माशाल्लाह जामिया दारुस्सलाम ही में आईटी डिपार्टमेंट से माशाल्लाह फरागत हासिल की। फिर उसके बाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मौलाना में एमफिल और पीएचडी की तालीम मुकम्मल की और 2011 में अरबिक लैंग्वेज में यूजीसी ग्रैंड कमीशन के जरिए नेट का एग्जाम इसमें सेलेक्ट भी हुए और माशाल्लाह बड़े नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल की। फिर इसी तरह 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन, इससे उन्होंने फर्स्ट पीएचडी की डिग्री हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ जीआईएलटी कंपनी के मुदीर भी हैं और उसके अलावा काफी हैदराबाद में ऐसी कंपनियां हैं जिसमें समझिए वो कमर्शियल डायरेक्टर की हैसियत से और मुस्तशार खास की हैसियत से माने जाते हैं। तो ये था हमारे अबू मजहर खालिद सिद्दीकी साहब का मुख्तसर तारुफ। यहाँ पर प्रोग्राम को हमारे अबू मजहर सिद्दीकी साहब के हवाले करने से पहले मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम का जो शेड्यूल है वो भी आपको बता दूं। जैसा कि आपने देखा कि किरात से बज़्म का आगाज हुआ है, फिर उसके बाद इफ्तिताही कलिमात के बाद तकरीबन 1.25 घंटे पर मुश्तमिल अबू मजहर सिद्दीकी साहब का इंशाअल्लाह पीपीटी प्रेजेंटेशन रहेगा, जिसमें जो भी आप मालूमात देख रहे हैं कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह ये पूरी की पूरी फाइल, ये पूरी की पूरी किताब ग्रुप में मौजूद तमाम अफराद के लिए मुहैया की जाएगी। तो इसलिए आप इसको लिखने की या फिर इसके स्क्रीनशॉट लेने की इसमें वक्त जाया ना करें, बल्कि आप इत्मीनान से लेक्चर को सुने और अबू मजहर खालिद सिद्दीकी साहब के यानी जो एहसासात हैं और जो मशायर हैं उनको समझने की कोशिश करें। फिर उसके बाद इंशाल्लाह तकरीबन 1 घंटा सवाल और जवाब का सेक्शन होगा जिसमें आपको जो आदाब बताए जाएंगे कि सबसे पहले तो जो इंशाल्लाह उसकी तफसीलात खिताब के बाद बताई जाएंगी कि सवाल और जवाब का सेक्शन कैसे होगा। तो इन मुकदमा और तमहीद के बाद खुसूसी तौर पर मैंने तो सिर्फ तर्जुमा और ट्रांसलेशन का एक मादी रुझान आपके सामने रखा, इन तमाम चीजों से हटकर इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इस्लामी तारीख के हवाले से अगर हम देखें तो तर्जुमा और ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की कितनी अहमियत है आपको इससे अंदाजा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को किस कदर तैयार करते थे। आपको पता है कि वो सहाबा जो दारे अरकम में छुप के जो इबादत करते थे, एक वक्त आया
कि वही सहाबा सुफरा और एम्बेसडर बनकर किसरा खैसर मुकोकस जो कि इजिप्ट का बादशाह था, नजाशी बादशाह, इनके दरबारों और ऐवानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लेकर पहुंचे। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि सहाबा इकराम ने जबानों को सीखने के हवाले से या इस्लामी तालीमात की तर्जुमानी की हैसियत से कितनी यानी फिक्रमंदी का इजहार किया और उसके लिए वो कोशा रहे। और आपको ये भी पता है कि तालीम के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कैदी जो के मजहब के मामले में मुख्तलिफ थे उसके बावजूद उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर जुर्माना उनको ये कहा कि अंसार के 10 बच्चों को तालीम देना यही उन पर गरामा मालिया होगा, तो फिर उनको फिदिया देने के बजाय सिर्फ तालीम देने पर इक्तिफा करके उन्हें आजाद किया गया। तो तालीम और ट्रांसलेशन की अहमियत के पेश नजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु को यहूदियों के फितने से आप मामून नहीं थे, तो आपने कहा कि मैं यहूदियों से मुतमईन नहीं हूं, ऐ जैद ये इब्रानी जबान सीख लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमा पर महज 15 दिनों के अंदर जैद इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ये इब्रानी जबान सीख लिए, इस कदर सीख लिए कि यहूदियों से आने वाले खतूत को अल्लाह के रसूल को पढ़कर सुनाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को तहरीरी शक्ल में इब्रानी जबान में लिख कर यहूदियों को भेजा करते थे। तो इससे आपको पता चला कि उलमा का जबान पर उनकी दस्तरस का होना कितना अहमियत का हामिल है। अल्लाह गरीक रहमत करे डॉक्टर जियाउर रहमान आजमी रहमतुल्लाह को, वो अपनी मजलिस में एक बार कहा करते थे कि मुझसे उन्होंने पूछा, परवेज तुम्हारा ताल्लुक तारीख इस्लामी से है, मैं तुमसे सवाल करता हूं, ये बताओ कि स्पेन के जवाल के असबाब क्या हैं? किताब में पढ़ी हुई बातें जो स्पेन के जवाल के असबाब थे मैंने रखी। इन तमाम के साथ शेख ने जिस बात की तरफ इशारा किया वो बहुत अहमियत के हामिल थी। शेख ने कहा, आपने जो असबाब बताए यकीनन स्पेन के जवाल में वो असबाब हो सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्पेनिश जबान का मुसलमानों का ना जानना, स्पेनिश जबान में मुसलमानों की खिदमत ना करना, ये भी स्पेन हमारे हाथ से खो जाने का एक अहम जरिया है, अहम सबब है, क्योंकि हमने अरबी जबान में इतनी खिदमत की थी, इतनी खिदमत की माशाल्लाह, कुर्तुबा, गरनाता, इशबिलिया और इसमें जो आबाद जो तामीरी ढांचे हैं ये इसकी आज भी गवाही देती हैं कि अरबी में हमने किस कदर खिदमत की। बल्कि मुसलमानों के अहद में जब उनका बोल बाला था तो जब उनकी खुदाई हुआ करती थी, आसार कदीमा वालों ने जब इन मकामात की खुदाई की तो जमीन के काफी गहराई तक जो पाइपलाइन थी उस पाइपलाइन की रहती थी, लेकिन अफसोस कि स्पेनिश जबान में खिदमत नहीं हो सकी। इसीलिए आज आप देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में दावती नुक्ते नजर से देखा जाए तो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के अलावा जो मकामी जबान है, पंजाबी 70 मिलियन की आबादी है, कन्नड़ी जबान 60 मिलियन की आबादी है, महाराष्ट्र, गुजरात, मराठी जबान 80 मिलियन की आबादी है और गुजरात 60 मिलियन से ज्यादा की आबादी है। इन जबानों में जो इस्लामी मंशूरात हैं या मतवियात हैं या कुतुब हैं नापैद हैं, बराए नाम भी हमारे मवाद नहीं है। तो बहर कैफ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक ये दावती नुक्ते नजर था। अब मैं दावत दूंगा बिला ताखीर हमारे अबू मजहर खालिद सिद्दीकी साहब को, जो के उलमा और दुआत की इस मजाल में जो के उनका तखस्सुस है, मशीनी तर्जुमे पर उन्होंने PhD की है, तो वो इसकी अहमियत को समझते हैं। तो मैं बिला ताखिर अबू मजहर खालिद सिद्दीकी साहब को दावत देता हूँ और माजरत के साथ कुछ तमहीदी बातें कुछ तूल पकड़ गई, लेकिन इंशाल्लाह 1 घंटे से जायद का इत्मीनान बख्श लेक्चर आप बगौर समाप्त फरमाएं और तमाम से गुजारिश है कि वो अपने अपने वीडियोस को ऑफ रखें, फिर सवाल जवाब का सेशन जब होगा इंशाल्लाह आप लोगों को आगे की रहनुमाई और तौजीहात दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
अजीज भाइयों, गुड गुड। आज का जो दिन है और आज का जो मशरू है वो हम सभी उलमा के लिए काफ़ी बेहतर है, और बिलख़ुसूस जिस तनासुब से, जिस मुनासबत से ये प्रोग्राम रखा गया है, आज आलमी बरादरी के लिए बहुत ही पुरमसरत मौका है कि आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, यानी कि आज आलमी योम मादरी ज़बान है। आज सुबह में कई सारे खिताबात जो हिंदुस्तान भर में हुए, हुकूमती सतह पर आज बहुत ही बड़ा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें अलसीना, लिसानियात, हिंदुस्तानियात वगैरह पर रोशनी डाली गई। साथियों, हम जिस मजाल से आते हैं, हमारा एक स्पेसिफिक जोन है, और वो बिलख़ुसूस ये जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है शेख नखवा परवेज़ साहब, जो अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से दारुल हुदा को रिप्रेजेंट करते हुए एक दारुल हुदा की जानिब से एक अच्छा सा प्रोग्राम इस मुनासिब मौके पर रखा, जिसके लिए मैं उन्हें पुरतपाक खैर मकदम करता हूं उनकी इन काविशों का। साथ में एक अहम बात ये बताना चाहता हूं कि तर्जुमे की ये इंडस्ट्री हम सभी असहाब के लिए बहुत ही आसान इंडस्ट्री है, इसमें अपना एक करियर बनाया जा सकता है, और हम अपने एक सुनहरी मुस्तकबिल के लिए इसको मुंतखब कर सकते हैं। उमूमन होता यह है कि वो तलबा जो गल्फ़ ममालिक में हैं, या ऐसे तलबा जो अभी अपने तालीम को जारी रखे हैं, उनके लिए ये दिक्कत है कि अपने करियर के लिए कोई एक स्पेसिफ़िक पाथ की ज़रूरत रहती है, गो कि वो लोग दो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जानते हैं, जिनमें से बआसानी अरबिक ज़बान है, और दूसरी मैं बिलख़ुसूस अरबी मदारिस के जो तलबा हैं और उमूमन जामिया इस्लामिया में मौजूद हमारे कई सारे उलमा इकराम जो माशाल्लाह इस प्रोग्राम में शरीक हैं, अगर दीगर बिलाद अरबिया से जो हमारे दरमियान शामिल है, मैं उनके हवाले से ये बात कह रहा हूँ। साथ में अंग्रेज़ी ज़बान से हम वाकिफ़ रहते हैं। दूसरी ये कि हमारे पास जो मज़ीद ज़बानें हैं उसके बारे में मैं इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा कि हमारी जो स्किल्स है किस तरीके पे और किस जून पे हम लोगों को काम करना है। इंशाल्लाह एक मेरा मुकम्मल प्रेजेंटेशन रहेगा जिसका मैं अभी आगाज़ करूँगा। इस प्रेजेंटेशन में जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बैन अल-अक़वामी ये वेबिनार है बमुनासबत आलमी योम मादरी ज़बान 2021 21 फरवरी बरोज़ इतवार हम लोग मुनाकिद किए हैं, और ये कई ममालिक में एक साथ देखा जा रहा है। जिस प्रेजेंटेशन में अहम इहाता करदा जो उमूर हैं उनमें से एक है ज़बानों का तज्ज़िया और उनसे मुतालिक सर्वे और शुमारियात हैं, ज़बानों की सनात और तिजारती मंडी, फिल वक्त किन किन ज़बानों में तर्जुमा ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजूहात क्या हैं, इस सनत में अपना मुकाम कैसे बनाया जा सकता है, जदीद दौर में एक मुतरजिम को किन किन महारतों की ज़रूरत दरपेश है, तर्जुमे के चंद नज़रियाती पहलू और साथ ही साथ तर्जुमे के चंद अमली पहलू, चंद अहम किताबें जो इस मैदान में आपको तर्जुमे के मैदान को समझने में मुआविन रहेंगी, तर्जुमे की सनत से दीगर मरबूत अहम उमूर या अहम मैदानात। फर्स्ट, आप देख रहे हैं कि ज़बान का तज्ज़िया दो लिहाज से किया जाता है उमूमन, एक तो बोली जाने वाली जो ज़बान है और इसी तरीके से उसका पॉपुलेशन किस तरीके से है। अगर हम दुनिया की 10 बड़ी ज़बानों का इहाता करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अंग्रेज़ी, चैनी और साथ में जो है स्पैनिश, उसके बाद में अरबिक लैंग्वेज जो तीसरे चौथे नंबर पर आती है बोली जाने वाली ज़बानों के लिहाज से, और इसी तरीके से पॉपुलेशन के लिहाज से देखेंगे तब भी वो फोर्थ लैंग्वेज पे आती है, उस नंबर पे आती है। साथ में हिंदी और इसी तरीके से दीगर इंडियन लैंग्वेजेस जो टॉप 10 लैंग्वेजेस में शुमार होते हैं, जिसका तज़िया इंशाल्लाह आपको मैं फराहम करूंगा। इस पे मज़ीद रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह मज़ीद आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं ज़रूरी समझूंगा वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूंगा इंशाल्लाह। यह है ज़बानों की सनात और तिजारती मंडी। तरक्की याफ्ता ममालिक जितने भी हैं उसमें ट्रांसलेशन की जो इंडस्ट्री है ये एक कोई खिदमत नहीं या कोई एक सर्विस नहीं, आजकल ट्रांसलेशन को एज ए इंडस्ट्री के तौर पर मुतारिफ किया जा रहा है, यानी कि एक सनात के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। पहले ये खिदमत के तौर पर जानी जाती थी, यानी कि किसी भी मामले में एक छोटी सी सर्विस या खिदमत जो किसी
काम की अमलावरी या उसकी अंजामदही के इसलिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे यूरोप और अमेरिका में ये मार्केट उनकी जीडीपी जो है उसका तकरीबन 5% उसका हिस्सा रहता है अमूमन, और जो उसका टोटल मार्केट वैल्यू है अगर उसका साइज़ देखेंगे तो इंडियन करेंसी में 6,200 करोड़ का है, और इसी तरीके से जो ग्लोबली इसका कंपाउंड अगर एनुअल ग्रोथ देखेंगे तो 5% जो है हर साल जो है इसकी बूमिंग हो रही है और ये बढ़ रहा है। हर दिन अगर सर्च वॉल्यूम देखेंगे तो 13,100 से ज़ायद सर्चेस सिर्फ ट्रांसलेशन पे हो रहे हैं। फिलवक्त किन ज़बानों में तर्जुमे का ज़्यादा काम हो रहा है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी है, उसके बाद में अरबिक, जर्मनी, स्पेनी, रूसी, हिंदी और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानें। हिंदुस्तान में आज ही एक मैं वेबिनार सुन रहा था, उसमें काफ़ी इनोवेटिव चीज़ों का हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है, जिसमें कुछ दिन पहले मैं एक दौरे पे था मैसूर के, जहां पर इंडियन ट्रांसलेशन मिशन है या नेशनल ट्रांसलेशन मिशन है, और इसी तरीके से सेंट्रल फॉर लैंग्वेज इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में इस्टेब्लिश होने वाला है, और इसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन के नाम से भी एक इदारा कायम होने वाला है, जो हम सभी के लिए बहुत ही खुशाइन बात है। और साथ ही साथ एक अहम और बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी बदली है, उस बदली हुई पॉलिसी में ये भी लिखा हुआ है कि तकरीबन हिंदुस्तान की 22 ज़बानों में जो ऑफिशियली रिकग्नाइज लैंग्वेजेस है उसमें हर एक डॉक्यूमेंट का तर्जुमा फराहम किया जाना चाहिए, और इसी तरीके से कोर्ट वगैरह में तकरीबन 22 से ज़ायद जो रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं अहम मुकदमात के लिए, उन अहम मुकदमात में उन सभी लैंग्वेजेस में तर्जुमा पेश होना ज़रूरी है। लेकिन उसकी वजूहात क्या हैं जो इस रफ्तार से तर्जुमे की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, और उसके रीज़न्स क्या है कि तर्जुमे की तरफ इतनी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, या तर्जुमा इस कदर मशहूर होते जा रहा है, या इस कदर जो है तरक्की हो रही है? उसके अहम रीज़न में एक है ग्लोबलाइजेशन। इस ज़मन में हर चीज़ की मालूमात उमूमी सतह और मुकामी सतह पर पेश की जाती हैं, और लोकलाइजेशन का मतलब यह है, आजकल आप गूगल वगैरह पे एड्स देखते होंगे या इसी तरीके से यूट्यूब वगैरह पे वीडियो एड्स देखते होंगे, वहाँ पे आपको जिस लोकेशन पे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप सऊदी अरब में हैं तो सऊदी अरब ही का आपको एक ऐड दिखाई देगा, अगर इंडिया में या मिसाल के तौर पर आप हैदराबाद में हैं तो सिर्फ हैदराबाद का ही ऐड आपको दिखाई देगा। इसका मेन रीज़न ये है कि लोकलाइजेशन यानी इस किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकली स्पेसिफिक जोन में प्रमोट किया जाना या उसको आगे बढ़ाया जाना, उस पे जो है आजकल पूरे की तवज्जो है और सभी लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं। इवन मैं ये बात सिर्फ हुकूमती इदारों की नहीं कर रहा हूँ, ना ही तिजारती इदारों की, ऐसे लोग जो छोटे मोटे सनतकार हैं वो लोग भी लोकल लैंग्वेजेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसी तरीके से ई कॉमर्स का फ़रोग हो रहा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अमेज़ोन इतना बड़ा एक हब बना हुआ है दुनिया का, उसके बावजूद अभी जो सूख दुबई है, सूख दुबई का इतना बड़ा काम फिलवक्त जो है अवेलेबल है, दस्तियाब है अमेज़ोन के पास, लेकिन उसमें मुतरजमीन की काफ़ी कमी है, प्रोफेशनल मुतरजमीन उसके पास फिलवक्त दस्तियाब नहीं, जो अंग्रेज़ी और अरबी के लिए बे इंतहा अपॉर्चुनिटीज़ का हामिल है। हमें उसकी जानिब तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है। साथ ही साथ अहम अहम जो कंपनीज़ है जिसमें यूट्यूब पे जो कंटेंट रिव्यू है, फेसबुक के जो कंटेंट रिव्यूज़ है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ है जिसका ट्रांसलेशन फिलवक्त हो रहे हैं, जो मुकामियानी सतह पर यानी लोकलाइजेशन के सतह पर हो रहे हैं। सिर्फ मैं एड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही क्या बोलते हैं कंटेंट रिव्यू के बारे में बता रहा हूँ, बहुत सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन का ट्रांसलेशन भी जो है लोकल लैंग्वेजेस में प्रमोट किया जा रहा है, उसको फराहम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ सियाहत है, आजकल लोग पहले की तरह जो है एक जगह रहना पसंद नहीं करते, साल में एक मर्तबा जो है एक आलमी टूर के तौर पर या मुकामी सतह पर टूर को पसंद करते हैं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री जिस तरीके से प्रमोट हो रही है, ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का भी अमल जो है तेज़ी के साथ फरोग पा रहा है। और इसी तरीके से एजुकेशनल कंसल्टेंट्स जितने भी लोग हैं जो तालीमी मैदान में तलबा को दूसरे ममालिक में भेज रहे हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, उनके लिए हर दिन हमेशा हम लोग अपनी जगह से कई सारे डॉक्यूमेंट्स एवरी डे ट्रांसलेशन करते रहते हैं, हमको उसका अंदाज़ा है। तकरीबन अल्लाह के फजल से बहुत सारे लोग हैं, इवन आप लोग जो जामिया इस्लामिया में रहे होंगे वो लोग भी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन अरबिक लैंग्वेज में किए होंगे, फिर बाद में जो है अपने आपकी जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करे होंगे। ये काम बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा है, चूँकि बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो दीगर ममालिक में अपने करियर का आगाज़ कर रहे हैं, और इसी तरीके से इस ट्रांसलेशन की तालीम
तालीम से जो है वाबस्ता हो रहे हैं और इस वजह से ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री को प्रमोट मिल रहा है या फ़रोग मिल रहा है। तर्जुमे की सनत में अपना मुकाम कैसे बनाया जाए, ये एक सवाल है जिस अहम सवाल पर आज शेख परवेज़ साहब ने और दारुल हुदा की जानिब से इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया गया है, जिसमें से इंशाल्लाह जितने भी असहाब का जो सवाल है इंशाल्लाह सवालात के जवाब आपको दिए जाएंगे, आप इंशाल्लाह उसकी कोई टेंशन ना लें। आप बहुत सारे असहाब ने हैंड रेज किया है मगर सवालात के जवाब इंशाल्लाह रखे हैं, उसका एक स्पेसिफिक सेशन है, ये थोड़ा सा सुन लीजिए, इसके बाद में इंशाल्लाह बहुत सारा आपको मज़ा आएगा। जितना हो सके इंशाल्लाह हमारी जानिब से कोशिश रहेगी कि ये डिलीवर करें, आज एक ही नहीं इंशाल्लाह मज़ीद भी अगर आपको ज़रूरत है तो दारुल हुदा की जानिब से ट्रांसलेशन प्रमोशन के ज़ेरे उनवान या ट्रांसलेशन स्टडीज़ के बहुत सारे वीडियोस भी आपके पास आएंगे और बहुत सारे ट्रांसलेशन की ट्रेनिंग्स इंशाल्लाह मुफ्त में आप तक फराहम की जाएगी। इंशाल्लाह दारुल हुदा का ये जो प्लेटफॉर्म है वो आप सभी के लिए कॉमन और आम है। इंशाल्लाह तर्जुमे की सनत में अपना मुकाम कैसे बनाया जा सकता है, इस मैदान को आप तीन तरीके से इख्तियार कर सकते हैं। एक है बतौर मुतरजिम, इनफरादी तौर पर अगर आप चाह रहे हैं कि मुतरजिम बने तो उस वक्त इसको एज ए ट्रांसलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप किसी एक स्पेसिफिक ट्रांसलेशन एजेंसी से मरबूत हो जाएं या नहीं तो आप फ्रीलांसर के तौर पर अपने करियर का आगाज़ करें। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह बताऊंगा जहां पर आपको घर बैठे तर्जुमे का काम मिल सकता है इंशाल्लाह, तो वहां पर भी जो है आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या हमारी खुद भी जो कंपनी है वहाँ पर भी आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जिसमें इंशाल्लाह मुनासिब काम जो भी फराहम रहेगा। और इवन अभी आज ही का एक कॉल है मुझे कि तकरीबन हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से जो पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्स है उसके 300 से ज़ायद जो है पेजेस का ट्रांसलेशन करना है, जो सिर्फ 5 मार्च तक देना है, यानी कि 10 दिन से भी कम वक्फे में हमको देना है। इस तरीके के रिक्वायरमेंट्स भी हमेशा आते रहते हैं। इसी तरीके से बतौर ताजिर, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं तो मुतरजिम बने या नहीं तो आप ट्रांसलेशन की जो इंडस्ट्री है उसमें ताजिर के तौर पर भी, पेशा वाराना ताजिर के तौर पर भी आ सकते हैं, यानी कि आप एक एजेंसी का आगाज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके बारे में भी मुफस्सलन बयान मेरा मज़ीद सामने आएगा। बहैसियत मुतरजिम और ताजिर दो तरीके भी मज़ीद हो सकते हैं, यानी कि आप कंपनी भी स्टार्ट कर लें और साथ में उसी कंपनी में आप बहैसियत मुतरजिम भी काम करें, और मज़ीद आपको क्या करनी है उसके बारे में मैं मज़ीद तफसीलात आगे इंशाल्लाह स्लाइड में बताऊंगा। उसके बाद में जदीद दौर में एक मुतरजिम को किन किन उमूमी सलाहियतों का हामिल होना ज़रूरी है, मिसाल के तौर पर अगर आप चाह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल या इनफरादी मुतरजिम बनना चाह रहे हैं तो उस वक्त कौन सी ऐसी महारतें हैं जिस पे आपको फोकस करना है, फोकस करते हुए आगे बढ़नी है। उसमें अहम चीज़ कम से कम जो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज है, यानी असल ज़बान और हदफी ज़बान, यानी हमारी जो मादरी ज़बान है वो हमारी असल ज़बान है, और इसी तरीके से हम अगर अंग्रेज़ी में या दीगर ज़बानों में तर्जुमा करते हैं तो वो हमारी हदफी ज़बान है, यानी तो जो ज़बान हम मुंतखब कर रहे हैं तर्जुमे के लिए, यानी कि हमारे पास अरबिक ज़बान में टेक्स्ट है, उर्दू में हम तर्जुमा कर रहे हैं तो वो हमारी असल ज़बान हो गई, और जिस ज़बान में हम तर्जुमे को फराहम कर रहे हैं वो हमारी हदफी ज़बान हो गई। अगर इन दो ज़बानों में कम से कम 70% अगर आपको वाकिफियत है दोनों ज़बानों की तो इंशाल्लाह आप जो है इस पर्टिकुलर मैदान में कदम रख सकते हैं। इसी के साथ साथ कम से कम एक ग्रेजुएशन की तकमील अगर आपके पास हो तो वो काफ़ी बेहतर है। ग्रेजुएशन इसलिए कि मुतरजिम का जो अमल है, तर्जुमे का जो अमल है, इसमें बहुत ज़्यादा बहुत वक्त ऐसे आते हैं जिसमें एनालिसिस वगैरह करना रहता है, यानी कि आपका फहम भी बहुत ज़्यादा माने रखता है, इसी वजह से ग्रेजुएशन की तकमील अगर हो तो वो काफ़ी बेहतर है। वरना बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के कम सतह के लोग भी आते हैं और ट्रांसलेशन में जो है उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। और इसी तरीके से अभी है कि ग्रेजुएशन होने के बाद में तर्जुमे के मैदान में कोई एक सर्टिफाइड कोर्स अगर करेंगे तो वो बेहतर रहेगा आपके करियर के आगाज़ के लिए। उमूमन होता ये है कि ट्रांसलेटर्स तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रांसलेटर की ज़रूरत रहती है, तो ये दो तरीके से आपको हासिल किया जा सकता है। किसी गवर्नमेंट एजेंसी की जानिब से आपको सर्टिफिकेशन मिल सकती है, यानी तो किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिल सकती है, या प्राइवेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जैसे अमेरिकन ट्रांसलेशन एसोसिएशन है, या इसी तरीके से गाला ट्रांसलेशन एसोसिएशन है जो ग्लोबली मॉनिटर करता है। बहुत सारे ऐसे बॉडीज है जो फिलवक्त ट्रांसलेशन के सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं या उसको फराहम करते हैं। अगर वो कोर्सेज आप लेंगे तो एक सर्टिफाइड मुतरजिम बन सकते हैं, जहां पर आपके मेयारात को जांचा जाएगा, मेयारात को जांचने के बाद एक सर्टिफिकेट दी जाएगी।
वरना इस सर्टिफिकेट के बगैर भी आप इस पर्टिकुलर फील्ड में कदम रख सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है। इसके बाद एक अहम चीज़ जो एक मुतरजिम को होनी ज़रूरी है, कंप्यूटर से वाबस्तगी और उसकी अच्छी तरीके से मारिफत। जिस कदर आपके पास टेक्नोलॉजी का एटमॉस्फियर रहेगा, जिस तरीके से कंप्यूटर पर आपको महारत रहेगी, उस तरीके से आप ट्रांसलेशन की फील्ड में अपने आप के लोहा मनवा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं करीब में आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, तब आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि किस तरीके से हम जो है इस फील्ड को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, गो के पहले बहुत ही मुश्किल तरीन ये अम्र था। उसके बाद है एक उमूमी जनरल नॉलेज की ज़रूरत रहती है। होता यह है कि बहुत से वक्त ऐसे हैं कि किस मुल्क का कौन सा कौन सा फ़र्द जो है वहाँ का प्रेसिडेंट है या वहाँ का प्रधानमंत्री है, उसके बारे में भी मुतरजिम को इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। लिहाजा कुछ जो ज़रूरी, यानी कि पूरे ममालिक का ज़रूरी नहीं, जिस मुल्क का आप ट्रांसलेशन ज़्यादा करते हैं या जिस ज़बान का ज़्यादा ट्रांसलेशन करते हैं उससे मुतालिक कुछ एक उमूमी जनरल नॉलेज की सख्त ज़रूरत रहती है। इसी तरीके से इल्मे जुग्राफिया की से वाकफियत और हालात हाजरा से थोड़ी बहुत वाकफियत अगर है, यानी कि जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं और थोड़ा सा टेलीविज़न देखते हैं, तो ये तर्जुमे में काफ़ी मुआविन है। ये सभी अगर आपके पास पाई जाती हैं, यानी कि ये स्किल्स आपके पास हैं, तो डेफ़िनेटली आप इस इंडस्ट्री को हदफ बना सकते हैं। लिहाजा मस्कुरा उमूर को मैं इंशाल्लाह तीन हिस्सों में बआसानी, यानी कि समझने के लिए मैं तीन हिस्सों में तकसीम किया हूं, जिसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंशाल्लाह समझ पाएंगे। आप उसको एक उस तनाजुर में अगर देखेंगे तो आपको बहुत सी क्लियरिटी मजीद मिलेगी कि हम किस तरीके से इसको काम करना है। और बहुत सारे असहाब जो है हैंड रेस कर रहे हैं, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं, मैं इंशाल्लाह बहुत ही करीब आपके सवालात को लूँगा और उसके जवाब भी इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं देने की कोशिश करूँगा। हमारे प्रेजेंटेशन को फर्स्ट हम लोग ख़त्म करने दीजिए। लिहाजा तीन अहम उमूर में तीन चीज़ों को मैंने जो क्लासिफाइड किया है, यानी उसकी दर्जाबंदी की है। दर्जाबंदी में एक अहम चीज़ है ज़बानों से वाकफियत, असली और हदफी ज़बान के तनाजुर में। दूसरा, कंप्यूटरी महारत अदना औसत और आला सतही कोर्सेज के तकमील के तनाजुर में। तर्जुमे के मैदान में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ के तनाजुर में। वाकफियत, असल और हदफी ज़बान के तनाजुर में अगर हम देखेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ों की, एक मुतरजिम के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। एक अच्छे मुतरजिम के लिए कम अज़ कम इन अहम उमूर पर नज़र हो, कम से कम दो ज़बानों पर गिरफ्त हो, असल ज़बान के मतन की फहमाइश और उसकी तरसील पर गिरफ्त, यानी कि जो कंटेंट हमारे पास है, जो सोर्स लैंग्वेज का जो कंटेंट है वो हम लोग सही तरीके से इलाबरेट कर पाना है और उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाना है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज के कंटेंट को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं तभी ट्रांसलेशन में वो उसी तरीके से डिलीवरी मुमकिन है या उसकी तरसील मुमकिन है। अगर हम किसी मतन को या कंटेंट को या टेक्स्ट को समझ नहीं पाते हैं तो उस वक्त तरसील नामुमकिन हो जाती है। इसी वजह से असल ज़बान के मतन की फहमाइश बे इंतहा लाजमी है। उसके बाद में असल ज़बान के इस्तिलाहात से बखूबी वाकिफियत। होता यह है कि कंसर्न स्ट्रीम जिसमें भी हम लोग जा रहे हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के बहुत सारे ऐसे असलाहत या टर्मिनोलॉजीज रहते हैं जिससे वाकफियत होनी अशद ज़रूरत रहती है। उसका मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में अलग माने रहता, लेकिन जब टर्मिनोलॉजी के लेवल पर देखते हैं या असलाहत की सतह पर देखते हैं तो उसके माने कुछ अलग पाए जाते हैं, लिहाजा उसको समझने की सख्त ज़रूरत रहती है। उसके बाद है मुतालिका मजमून पर मुतरजिम की गिरफ्त। ये एक अहम चीज़ है कि होता यह है कि कोई भी किसी भी तरीके के कंटेंट का ट्रांसलेशन अगर बिगिनिंग लेवल पे करे तो वो थोड़ा सा महाल हो जाता है, यानी कि आगाज़ के सतह पे आप अपनी जो पर्टिकुलर स्ट्रीम है, यानी कि अगर आप मजहबी ताल्लुक़ मजहबी मैदान से आते हैं तो मजहबी मैदान से मुतालिका तर्जुमे पर थोड़ा बहुत जो है आगाज़ करें, फिर बाद में जो है आप जनरल ट्रांसलेटर बन सकते हैं, लेकिन आगाज़ आपका अपनी पर्टिकुलर फील्ड से हो, स्ट्रीम से हो, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है, ताकि यानी कि उसमें जितने टर्मिनोलॉजीज़ है उससे आपकी वाकफियत रहती है, फिर ज़बान में किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो पूरे का पूरा अमल जो है आपके समझ में आता है, ये काफ़ी मतलब आपके लिए काफ़ी आसानी फराहम करता है। उसके बाद में रही ये बात कि हदफी ज़बान के मुतबादिल इस्तिलाहात और इस ज़बान के दाखिली खलब से वाकफियत भी एक अहम तरीन अमर है। होता यह है कि मुतबादिल इस्तिलाहात हमें मालूम नहीं रहते, तो लिहाजा जब हम ट्रांसलेशन में जब तरसील का अमल करते हैं या कन्वर्जन या तबादले का काम करते हैं तो उस वक्त हमें बहुत सारे दिक्कत या मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में दोनों ज़बानों के डिक्शनरीज, थीसारस और ऑनलाइन फराहम शुदा मवाद से वाकफियत होनी बशद ज़रूरत हमेशा हमें रहती है। लिहाजा
उस पर्टिकुलर फील्ड के डिक्शनरीज, मिनिमम डिक्शनरीज जो कॉमन, इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन के बाद में आपको कई सारे डिक्शनरीज आपके ग्रुप में फराहम किए जाएंगे, बहुत सारे थीसारस के लिंक आपको फराहम किए जाएंगे, ऑनलाइन तकरीबन जितने रिसोर्सेज हमारे पास दस्तियाब हैं जो अभी तक का हमारा तजुर्बा है, इंशाल्लाह पूरे आपको फराहम किए जाएंगे, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं। इसके बाद आइए, पहला जो लेवल मैंने बताया था कि असल ज़बान और हदफी ज़बान के तनाजुर में हम लोग अपनी शख्सियत को जांचेंगे कि हम किस तरीके से तर्जुमे के फ़न को अपना सकते हैं या किस तरीके से हम इस मैदान में कदम रख सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटरी महारत के सतह पर हम अपना अपनी शख्सी जांच करेंगे कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर फील्ड को अपनाने के लिए फिट हैं या इस पर्टिकुलर फील्ड को अपनाने से पहले इनमें से कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। कंप्यूटरी महारत को दर्जे ज़ेल तीन अहम हिस्सों में मैंने तकसीम किया है, एक अदना सतही है, औसत सतही और साथ में आला सतही। और अदना सतही यानी कॉमन मिनिमम जिसे कहा जाता है, एक मुतरजिम को उतनी स्किल्स होनी ज़रूरी ही है, उतना इंफॉर्मेशन उसके पास होना ज़रूरी ही है। इस ज़मन में एक मुतरजिम कंप्यूटर से मुतालिका इब्तदाई कोर्सेस या महारतों का सीखा हुआ हो, जिसमें कम अज़ कम एमएस ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह और इब्तदाई कंप्यूटर चलाने की सलाहियत का हामिल हो। और हम चूँकि अरबिक वगैरह से मुतालिक अफराद हैं तो उर्दू के जो इन पेज सॉफ्टवेयर है जो पब्लिशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, साथ में उर्दू का जो फोनेटिक कीबोर्ड है और इसी तरीके से अरबिक के जो फोनेटिक वैल्यूज़ हैं और इसी तरीके से अरबिक का जो फोनेटिक कीबोर्ड है UTF-8 जो 101 सऊदी अरब के लिए इस्तेमाल होता है, कम अज़ कम कॉमन मिनिमम के लिए अगर इतना भी इस्तेमाल हो तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। दूसरा है औसत सतही। औसत सतही में होता ये है कि एक ट्रांसलेशन का एक लेवल है, अगर आपके पास इस तरीके के मज़ीद स्किल्स रहेंगे तो आप जो पैकेजेस बनाएंगे ट्रांसलेशन प्रमोट करने के लिए या ट्रांसलेशन में अपना जो जो तनख्वाह हैं ये मुतय्यन कर पाएंगे या अपना जो मुशाहरा तय कर पाएंगे, ये स्किल के लिहाज से जाता है। उमूमन होता यह है कि कोरल ड्रा के बहुत सारे लोग फोटो डिज़ाइनिंग लेबलिंग भेज देते हैं या डिज़ाइंस भेजते हैं और कहते हैं कि इसका ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत है। अगर हमको वो एप्लीकेशन रन करने नहीं आता, उसको चलाने नहीं आता, तो उस वक्त हमारे पास से वो जो पर्टिकुलर ट्रांसलेशन करने की इस्तेदाद तो थी, लेकिन सिर्फ एक एप्लीकेशन को सही तरीके से रन नहीं कर पाने की वजह से जो अपॉर्चुनिटी थी काम करने की वो हमसे छूट जाती है। एक औसत दर्जे के मुतरजिम के लिए कम से कम वो डिज़ाइनिंग पैकेज का मुकम्मल किया होना ज़रूरी है, जिसमें कोरल ड्रा है, फोटोशॉप है, फ्रंट पेज है, आउटलुक एक्सप्रेस है, यानी कि ये कुछ इंटरनेट से मरबूत चीज़ें भी हैं जो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मैंने इसको शामिल किया है। इसी तरीके से आला सतही जब देखते हैं तो ये आजकल ख़ासकर आप जहाँ से बिलाद अरबिया से आते हैं वहाँ पर इनडिज़ाइन है, इलस्ट्रेटर वगैरह है, और अभी जितने ERP सिस्टम्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं ट्रांसलेशन में बुनियादी तौर पर बेसिक HTML नॉलेज की सख्त ज़रूरत पेश आती है। होता यह है कि कोडिंग में बहुत सारे लोग जो है भेजते हैं और वो कहते हैं कि लेबल्स को यहीं पर जो है ट्रांसलेट करके इनपुट करना है, तो ऐसे वक्त में जब उसका इन्फॉर्मेशन आपको नहीं रहता तो ट्रांसलेशन करने की जो एक अपॉर्चुनिटी है वो हमसे हो जाती है। तो लिहाजा आला सतही अगर मुतरजिम बनना है, बिलखसूस अगर आप एक ट्रांसलेशन की इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाह रहे यानी कि एक सनतकार बनना चाह रहे, तो कम से कम आला सतही के जितने स्किल्स आपके पास होनी है वो तकरीबन होना जरूरी है। उसके बाद में अहम चीज है तर्जुमे के मैदान में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजीज के तनाजुर में, यानी कि एक मुतरजिम को इन टेक्नोलॉजीज या टेक्नोलॉजियों से वाकिफियत वक्त का अहम तकाजा है। अगर हम इन टेक्नोलॉजीज से इस्तेफादा करेंगे तो तर्जुमे की जो सनात है उसको तेज़ी के साथ, देखिए ये आपके लिए भी एक सवाल रहा होगा, शायद बहुत सारे असहाब के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि तर्जुमे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या, किस वजह से होता है। देखिए फिलवक्त ट्रांसलेशन का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तकरीबन ख़त्म के करीब है। अब फिलवक्त कोई ऐसा मुतरजिम नहीं जो है ट्रेडिशनली किताब को ले लिया हो और किताब पर जो है लिख रहा हो, फिलवक्त उस तरीके के जो है मुतरजिमीन जो है कम रह पाए हैं, और अगर रह भी पाए हैं तो उनकी उम्र तकरीबन 50 साल से ज़ायद है जो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है। इसीलिए टेक्नोलॉजी के तनाजुर में एक मुतरजिम को सोचना बेहद ज़रूरी है। अगर टेक्नोलॉजी सीखनी है एक मुतरजिम को तो वो कौन से टेक्नोलॉजीज़ हैं, मैंने जो इससे पहले जिक्र की है वो कॉमन मिनिमम टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सिर्फ मुतरजिम ही नहीं वो हर कॉमन आदमी को जो एक आम आदमी को सीखना ज़रूरी है। अभी फिल वक्त जो है हमारी स्पेसिफिक जोन में यानी ट्रांसलेशन की जो इंडस्ट्री है उससे मरबूत अफराद के लिए ये ज़रूरी है, जिसमें SDL, टारडोस,
टूल्स हैं, SDL Teradus जो है कुछ CAD टूल्स रहते हैं जो कंप्यूटर एडेड मशीन ट्रांसलेशन प्रमोट करते हैं, जिसमें ग्लोसरी मैनेजमेंट है और इसी तरीके से वर्ड सेगमेंट मैनेजमेंट है और कई सारे अल्फाज को अगर आप चाहते हैं कि हर पूरे मान लीजिए अगर आपके पास में 6-7 लाख वर्ड्स हैं करना है ट्रांसलेशन, 6-7 लाख वर्ड के जब ट्रांसलेशन में एक वर्ड पर्टिकुलरली बार बार आता है तो वो पूरी जगह पे एक ही वर्ड को आप किस तरीके से गिरफ्त में रखेंगे अपनी, या टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट आता है या ट्री बैंक आता है या इसी तरीके से मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन यानी कि मुरक्कब अल्फाज जो हैं, ये बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं जो हमको प्री प्लान करना रहता है। या ग्लोसरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ग्लोसरीज में जो है पहले ही से हमको जो है डॉक्यूमेंटेशन की फरहंग बनानी रहती है, साइंस के असलाहत की फरहंग पहले ही से हमको बना के डॉक्यूमेंट को अपलोड करना रहता है ताकि पूरा जो कंटेंट आ रहा है उसमें सही तरीके से इलाबरेशन हो पाए या सही तरीके से वर्ड्स को जो है हम लोग पकड़ पाएँ और अपनी गिरफ्त में रखें। और टर्मिनोलॉजीज बाज़ जगह स्थानीयत है, बाज़ जगह गैर हम आहंगी है, इस तरीके से जो है आजकल एक्सेप्टेबल नहीं है, लिहाजा पूरे डॉक्यूमेंट में सेम तरीके के टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होनी ज़रूरी है। इस वजह से SDL Teradus वगैरह से टूल से वाकिफियत है और साथ में CAD टूल से वाकिफियत है। मैं इंशाल्लाह कौन से वो टूल्स हैं, किस तरीके से हमको काम करना है उसके बारे में मैं मज़ीद आगे जो स्लाइड है उसमें बताऊँगा। फिर मशीनी तर्जुमे से मुतालिक अहम वसाइल जिसमें गूगल ट्रांसलेट है, बिंग ट्रांसलेट है और इसी तरीके से इंडेक्स ट्रांसलेट है और दूसरे ट्रांसलेशन किट्स हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। मशीनी तर्जुमे में होने वाली उमूमी गलतियों की निशानदही और उसके असबाब से वाकिफियत भी होनी ज़रूरी है। उमूमन ये होता है कि हम लोग बोलते हैं भाई मशीन ट्रांसलेशन जो आउटपुट आ रहा है वो काफ़ी ख़राब है, असल होता यह है कि हमारा जो इनपुट होता है वही ख़राब होता है, तो इसी वजह से उसमें जो है आउटपुट ख़राब आता है, लिहाजा हमको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारी इनपुट की वैल्यूज़ कौन सी है जिसकी वजह से वो गलती हो रही है। अभी आइए उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड है, जदीद दौर में तर्जुमे की सनद को किन किन उमूमी सलाहियतों का हामिल होना ज़रूरी है, यानी सनदकार के लिए तनाज़ुर में मैं कर रहा हूँ। जदीद दौर में एक तर्जुमे के सनदकार को, सनदकार यानी कि अगर कोई शख्स चाह रहा है कि वो अपनी एक ट्रांसलेशन की एजेंसी ओपन करे, तो एक ट्रांसलेशन की एजेंसी ओपन करने वाले के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। बहसियत ताजिर दर्जे ज़ैल अहम उमूर पर उसकी गिरफ्त होनी ज़रूरी है। एक ये है कि कंपनी के सतह पर एक ताजिर इदारे का, तिजारती इदारे का क़ियाम अगर करना चाहें तो सबसे पहले है कि बुनियादी सरमाया यानी कि उनका कैपिटल क्या है, बेसिक कैपिटल जो होता है। उसी तरीके से अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो कम से कम एक 5 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटी सी टीम आपको ऑर्गेनाइज़ करनी है जो मल्टीपल तरीके से जो है वो काम कर सके, कई सारे लेवल्स होते हैं जिस पर वो काम कर सके। कंपनी का ओनर्स का कम से कम इस मैदान में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री की तकमील कर पाया हो वो बेहतर रहता है, चूँकि अमूमन होता यह है कि हमको इस पर्टिकुलर फील्ड में जब हम कदम रखना चाहते हैं एक तजारती सतह पर, तो उस पर्टिकुलर के कद्दोखाल से वाकिफियत और उसके जुमला उमूर से वाकिफियत काफ़ी ज़रूरी होती है। उमूमन हुकूमती सतह पर भी ये बहुत ही माने रखता है कि किस फील्ड में जो है इस पर्टिकुलर बंदे का ग्रेजुएशन हुआ है या PG हुआ है वो बहुत ही माने रखता है। इसी तरीके से बुनियादी कंप्यूटरों की महारतें हैं और बुनियादी अकाउंट से वाकिफियत, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। इसी तरीके से PRO अपना अच्छा होना है यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हम अपने एक कस्टमर से किस तरीके से बात करनी है वो बात करने की अच्छी सी सलाहियत होनी भी ज़रूरी है। साथ में मार्केट सर्वे की सलाहियत होनी ज़रूरी है कि मार्केट में फिल वक्त क्या है, यानी कि बाज़ार में फिल वक्त क्या चल रहा है, तर्जुमे की सनत में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में सर्वे करने की सलाहियत हमारे पास हो। और इसी तरीके से हम सर्वे करने के बाद में उसका तज्जिया करना है कि हमको कौन सी चीज़ इख्तियार करनी ज़रूरी है, तो वो तज्जिया आता है उसका, वो कैपेसिटी अगर है, साथ में जिद्दत मेहनत और मुसलसल मजीद मेहनत, साथ में कम अज़ कम 3 साल तक इस मैदान में साबित कदम रहने का अज़्म अगर है तो आप एक ट्रांसलेशन इंडस्ट्री का आगाज़ कर सकते हैं एज ए सनदकार, यानी कि आप इंशाल्लाह वहाँ से जब फारिग होकर यहाँ पर आएंगे या वहीं पर रहते हुए अगर ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो ये कॉमन मिनिमम चीज़ें हैं। अगर इसके साथ आप चाहेंगे तो एक अच्छी सी ट्रांसलेशन एक 3 साल के अंदर आपकी कंपनी जो है माशाल्लाह एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ सकती है और आप एक मुसबत रोशन मुस्तकबिल की तरफ एज ए
इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि तर्जुमे के सनतकार के तौर पर जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपको ये तर्जुमे के और मैं आपके लिए ये बता दूं कि ये तर्जुमे की जो सनत है काफ़ी आसान सनत है। इसको अगर हम मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल है, यह आसान सनत है, मगर इसमें ऐसे अफराद जो ज़बान से पहले ही से वाबस्ता हैं और जिनको ज़बान का शुद्ध बुद्ध हो तो वो लोग अगर इसमें दाखिल होंगे तो काफ़ी मतलब उनको ज़बरदस्त प्रमोशन होगा और आप जो है तर्जुमे में अपने करियर का आगाज़ कर सकते हैं। लिहाजा ये तीन अहम चीज़ें मैंने बताया, या तो आप एक मुतर्जिम बन सकते हैं, या तो एक आप ताजिर मुतर्जिम बन सकते हैं, या तो आप सिर्फ़ एक ट्रांसलेशन की एजेंसी रख सकते हैं और आपके पास में मुतर्जिमीन के बहुत सारे अफराद रह सकते हैं। इस तरीके से भी ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा, तर्जुमे के चंद नज़रियाती पहलू। होता ये है कि ये जितने भी मैंने कही वो थे अमली पहलू, यानी कि जो एक मुतर्जिम बनने के लिए जो ज़रूरी हैं वो। साथ में ये है कि हम तर्जुमे के आगाज़ से कबल भी कुछ नज़रियाती पहलुओं पे कॉमन मिनिमम चीज़ों का इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उसके लिए एक अहम चीज़ ये है कि मैं इंशाल्लाह आपको बहुत सारी किताबें आपको फराहम किया हूँ, ग्रुप में भी इंशाल्लाह वक्फे वक्फे से आपके पास में प्रेजेंट की जाएंगी, या इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन के बाद में आपको सारी ही किताबें जो अंग्रेज़ी ज़बान में बेहतरीन किताबें तकरीबन 20 से 25 किताबें हैं, मैं इंशाल्लाह वो पूरी फराहम करूँगा आपको। और आपके पास अगर कभी वक्त है तो थोड़ा सा वक्त, ताकि आपको जदीद अंदाज से ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री को समझने के लिए, अगर जैसे जिसमें खासकर ट्रांसलेशन इंसाइक्लोपीडिया है और ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन है, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस है, फ़ने तर्जुमा और रिवायत वगैरह है, जो इंशाल्लाह मैं उसकी लिस्ट भी आपको दूंगा, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप नज़रियाती तौर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, ताकि तर्जुमे की सनत को समझना चाह रहे हैं। इवन कई सारे ऐसे डायरेक्टरीज हैं ट्रांसलेशन के जिससे आपको ये वाकिफियत होगी और आपको ये सुनकर खुशी होगी के एक मुनज़्ज़म अंदाज में डायरेक्टरीज़ हैं और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसलेशन को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि 2017 में इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यूएन की तरफ से सेलिब्रेट करने के लिए एक उमूमी पैगाम भेजा गया है कि पूरी दुनिया जो है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेट करे। ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ट्रांसलेशन इंडस्ट्री के लिए बिलखसूस। रहा यह कि तर्जुमे के जिन मुतर्जिम को जिन चंद जो नज़रियाती पहलू हैं उनमें से जो अहम नज़रियाती पहलू हैं, तर्जुमे के उमूमी मसाइल व मुश्किलात से वाकिफियत होनी ज़रूरी है, मजहबी और साइंसी और इल्मी तराजिम के मसाइल व मुश्किलात क्या हो सकते हैं, और तर्जुमे में मुदाखलत के नज़रियात क्या हैं, यानी कि ट्रांसलेशन इंटरवेंशन जिसे बोलते हैं। यानी कि होता यह है कि बहुत सारे मरतबा यह है कि कोई वर्ड रहता ही नहीं ट्रांसलेशन में, लेकिन जब हम हदफी ज़बान में उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसको दाखिल करना पड़ता है। उसका मेन रीज़न ये रहता है कि हम हदफी ज़बान के उसूल और ज़वाबित और उसके उसूल और आसान फहमाइश के लिए बहुत सारे अल्फाज को जो है दाखिल करते हैं, लेकिन हमको उतनी आज़ादी नहीं रहती जितना एक मुसन्निफ़ को रहती है। यानी कि तर्जुमे में एक मुतर्जिम जो है बंधा हुआ रहता, मुसन्निफ़ को बंधा हुआ रहने की ज़रूरत नहीं रहती। लिहाजा तर्जुमे में मुदाखलत के नज़रियात, ये भी एक काफ़ी जो है वास्ट सब्जेक्ट है हमारी यूनिवर्सिटी में, जो है इस पर ख़ुद एक PhD हो रहा है हमारे करीबी दोस्त की जानिब से, तारिक साहब उनका नाम है, वो ख़ुद भी इस पर PhD कर रहे हैं। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त इनोवेटिव जो है काम है। इसी तरीके से तर्जुमे में हिकमत अमली का इस्तेमाल, तर्जुमे में हिकमत अमली बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि डिप्लोमेसी, बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह रहते हैं जो स्पेसिफिक जून के लिहाज से लिखे जाते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जो उर्दू में तर्जुमा हो रही है, या कोई ऐसी नॉवेल है जो उर्दू में हो रही है तर्जुमा, लेकिन उसमें जितने भी नाम इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारे हिंदुस्तानी जो सेगमेंट है या हमारा जो कल्चर है, हमारी जो तहजीब व सकाफत है उसके करीब नहीं है, तो वो पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता। जिस ज़बान में लिखी जा रही हैं तो उस वक्त मुतर्जिम डिप्लोमेटिकली क्या करता है कि ज़बान अल्फाजों को यानी कि कॉन्सेप्ट को उसी तरीके से रखते हुए सहूलत के लिए नामों की तब्दीली करता है। ये एक मुतर्जिम की जो है हिकमत अमली हुआ करती है। तो इस तरीके से कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, ये डिप्लोमेटिकली एक मुतर्जिम को इस्तेमाल करना रहता है। जैसे जैसे आप इस तर्जुमे की इंडस्ट्री में फ़रोग पाएंगे या आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें मज़ा आएगा और बहुत सारी हिकमत अमलियों को आप जो है एज ए ट्रांसलेटर आप इस्तेमाल करेंगे। और ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ज़बानों की सनात में सिर्फ ट्रांसलेशन ही एक वाहिद चीज़ नहीं,
इसका इहाता काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इंशाल्लाह मेरा एक स्लाइड आगे रहेगा जिसमें कितनी चीज़ों को आप जो है अगर आप बहैसियत मुतरजिम या मुतरजिम या बहैसियत सनतकार अगर आप आना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी मज़ीद बताऊँगा। रहा उसके बाद यह है कि मालियाती और तजारती असलाह से वाकफियत भी काफ़ी ज़रूरी अहम तरीन अमल बन जाता है उस वक्त जब हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए जैसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या किसी की बजट सेगमेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, किसी कंपनी की फाइलिंग है, तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें मालियात और उसके असलाह से वाकफियत होनी ज़रूरी है। इसमें सबसे अहम मसला जो आता है वो है अब्रीवेशन का। अब्रीवेशन यानी मिसाल के तौर पर वो लोग पूरा नहीं लिखते किसी भी चीज़ को, वो पूरे शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं, तो हमको फुल फॉर्म अगर मालूम है तभी जाके हम जो है ट्रांसलेशन में उसका एज इट इज़ दे सकते हैं, यानी कि उसका आउटपुट दे सकते हैं, उसका तर्जुमा जो है सही तरीके से डिलीवर कर पाते हैं। अगर हमको उस पर्टिकुलर कंसर्न वर्ड का या मुतालिका वर्ड का अगर आपको ये ना समझ में आए कि क्या कि उसका अब्रीवेशन क्या था, यानी वो किस लफ्ज़ का मुखफ़ है, तो फिर तर्जुमा जो है सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पाता और उसकी तरसील नहीं हो पाती। तर्जुमे के चंद अमली पहलू, जो तर्जुमे के चंद अमली पहलू हैं एक मुतर्जिम को उन पर फोकस करना ज़रूरी है। इनमें तर्जुमे के अमली पहलू में जब हम लोग देखते हैं तो ये कि अगर फ़र्दन फ़र्दन यानी कि एक मुतर्जिम इनफरादी तौर पर ये कोशिश करता है कि मैं मुतर्जिम बनूँ, तो मैं पहले भी कहा हूँ कि इसमें सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज काफ़ी अहमियत की हामिल है, कम से कम 70% तो हमको एटलीस्ट वाकिफियत होनी ज़रूरी है। इसके बाद रहता है इस्तेलाहा साजी का मसला। इस्तेलाहा साजी दो तरीके से होती है, एक इस्तेलाहात का बनाना, दूसरा इस्तेलाहात के मंबे से इस्तेफादा करना। इस्तेलाहात का मंबा अगर हमारे पास दस्तियाब है, जैसे उर्दू में बहुत सारे फरहंग हमारे पास, जैसे जामिया उस्मानिया की जो फरहंग है, हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर जुनेद जाकिर साहब का जो है इसी पे पीएचडी रहा कि जामिया उस्मानिया में जो तकरीबन आज से 100 साल से ज़ायद बेशतर उर्दू ज़बान में जितनी इस्तेलाहात बनाई गई थी उस पर उनका पीएचडी है, माशाल्लाह बेहतरीन। इंशाल्लाह शेख परवेज़ साहब वो भी इस्तेलाहात की जो फरहंग जो जामिया उस्मानिया की जानिब से रिलीज़ हुई है वो भी इंशाल्लाह हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे और साथ में इससे इस्तेफादा करें। फरहंग का इस्तेमाल उर्दू तलबा के लिए और हम जैसे अफराद के लिए फरहंगे खासकर NCPUL की तरफ से, जो कौमी कौंसल बराए फरोग उर्दू ज़बान दिल्ली में है, उसकी तरफ से काफ़ी अच्छी फरहंगें हमारे सामने आई हैं, गो कि उसमें बहुत सारे मतलब यूनिकनेस नहीं पाया जाता जब हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इस्तेलाहात और उसमें देखते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट की डिलीवरी हो पाती है और जो है सही तरीके से हमको इस्तेमाल भी कर पाते हैं सलासत और आसानी के साथ में। मज़ीद डिक्शनरीज थीसारस और ऑनलाइन फराहम शुदा तर्जुमे के टूल से वाकफियत होना ज़रूरी है। तर्जुमे के मैदान में इस्तेमाल होने वाले चंद अहम टूल्स और उनका बुनियादी तारुफ़, ये एक मुतर्जिम को इन टूल से वाकफियत होनी ज़रूरी है, ना ही सिर्फ मुतर्जिम को, अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्कॉलर हैं या आप स्कॉलर बनना चाहते हैं या आप एक राइटर हैं या आप राइटर बनना चाहते हैं या ज़बान से मुतालिका किसी भी अमर में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है, तो उस वक्त ये जो टूल्स हैं ना ही ट्रांसलेशन में बल्कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स यानी आपकी जो दाखिली सलाहियतें हैं उसको प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी अहम हैं, जिनमें से एक असर हाजिर में एक मुतर्जिम को अमलन दर्जे ज़ैल अहम तर्जुमे के मुआविन सॉफ्टवेयर से वाकफियत ज़रूरी है, जिसमें गूगल ट्रांसलेट है, बिंग ट्रांसलेट है, इंडेक्स है और इसी तरीके से SDL है, कैट्स है, ट्रांसजार है। ट्रांसजार के बारे में मैं बता दूँ, ये हमारी ही एक सिस्टर कंपनी है जिसको बनाया है, काफ़ी बेहतरीन टूल है जिसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, जो कैड जो टेक्नोलॉजी से उस पर काम करती है। OCR है जिसे हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम कहते हैं या बसरी हरूफ शनासी जिसे हम लोग कहा जाता है। ILOVE PDF एक काफ़ी अच्छा टूल है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसी तरीके से YAML एक अरबिक एडिटर है जो आप लोगों के लिए भी काफ़ी मुआविन रहेगा इंशाल्लाह और इसी तरीके से ITO OCR बोल के जो है एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरीके से कन्वर्ट ऑनलाइन फ्री एप्लीकेशन है, रिवर्स डिक्शनरी है, ये बहुत ही बेहतरीन है, ये आपको मिसाल पर मुश्तमिल ट्रांसलेशन सिस्टम फराहम करता है और इसी तरीके से आपके पास एक ऐसा कार्पस फराहम करता है या एक ऐसा डाटाबेस फराहम करता है जिसमें
एक किसी एक लफ्ज के मुतादिद इस्तेमालात या उसका महल इस्तेमाल किस तरीके से हो वो उसमें दस्तियाब रहता है। बेहतरीन डिक्शनरी है, बल्कि ये एक थीसारस भी कह सकते हैं और ये एक तरीके का कार्पस है जिसमें बहुत सारे मिसाल पर मबनी अल्फाज वगैरह को जमा किया गया। बहुत ही शानदार है, मुतादिद ज़बानों में ये पाया जाता है। इंशाल्लाह इसको स्क्रीन शेयर उसका जो स्क्रीन शॉट्स है मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद में है संपर्क, जो 2018 में जो है 2008 में APJ अब्दुल कलाम साहब जिसका इनाग्रेशन किया था IIIT के कोलाब्रेशन से, हम भी जो है थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च किए और दौरान ये रिसर्च जो है उर्दू का जो सेगमेंट रहा उस पर हम लोग काम किए हैं। और इसी तरीके से गूगल लेंस मेरा इंशाल्लाह एक पूरा वीडियो ही है गूगल लेंस का इस्तेमाल पर। बेहतरीन अप्लीकेशन है, ना ही सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए बल्कि अगर आप सयाह हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में सैर व सियाहत करना चाहते हैं तो गूगल लेंस आपका एक गाइड के तौर पर काम करेगा। बेहतरीन एप्लीकेशन है, आपको तर्जुमा फराहम करेगा और मज़ीद बहुत सारे जो है सर्च ऑप्शन फराहम करेगा और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो परचेज से मुतालिक हैं, जो ई कॉमर्स से मुतालिक है। इंशाल्लाह मैं टूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। यह है गूगल ट्रांसलेट का जो एक दाखिली खलब जो उमूमन आप लोग देखे होंगे, मैं अमली तौर पर आपको दिखाता हूं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो स्क्रीन है आप सभी देख पा रहे हैं? बिल्कुल ओके, मशकूर शेख, मशकूर। यहाँ पे देखिए, ये जब हम लोग लैंग्वेज को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बुनियादी तौर पर देखते हैं उमूमन हम लोग ये दो ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर मैं जो है अमलन देखूँगा, अमली तौर पर मैं जो है इसमें खालिद यहाँ पे हमारे पास आया, ये जो टूल का जो नाम है यहाँ पे कॉपी हम लोग कर सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे एडिट करते हैं। उमूमन आप लोगों को करनी ये है कि हम लोग ये गलती करते हैं, वो गलती ये है कि जब कभी भी ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं यहाँ पे अगर कुछ गलती आती है तो इसमें आपको एडिट करना है। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, साथ में यहाँ पे आपको जो भी तब्दीली करना है, जैसे मिसाल के तौर पर आना, यह है आना की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे इसमें खालिद अगर कह देंगे तो काफ़ी है, मैं आना को डिलीट कर दिया, साथ में मैं इसको लॉग इन होते हुए इसको सबमिट करना है। तो ये जितना भी है ये आपको मल्टीपल टाइम्स आपको सपोर्ट करेगा और बहुत ज़्यादा, और साथ में ये जो स्क्रीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कीबोर्ड है, हैंड राइटिंग कीबोर्ड भी है, यहाँ से जो भी आप लिखेंगे वहाँ पे जो है लिखने की कैपेसिटी रखता है। और आजकल उर्दू वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आप बोल कर कुछ चीज़ को टाइप करना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ मेरा नाम खालिद है, ये देखिए टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं, इस तरीके से ये इस तरीके से के नए फीचर्स के साथ में ये दस्तियाब है। साथ में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की एक कम्युनिटी रहती है, कंट्रीब्यूट करने के बाद भी जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है, जैसे अभी तक हम लोग कितने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे मैं अभी तक कितने वर्ड्स पे, अगर आप चाह रहे हैं कि माहिर मुतरजिम बने और साथ में लैंग्वेज के सिनारियों में आपका एक कंट्रीब्यूशन रहे तो उस वक्त जो है कंट्रीब्यूशन के लिए आप इसको जो है इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपके इंटरपर्सनल स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब तरक्की हो सकती है। एक ना सिर्फ मुतरजिम बल्कि ज़बान के एक हसास शख्स की जाने के लिहाज से भी आप जाने जाएंगे, ये ज़बान पे एक बहुत ही बड़ा एहसान होगा कि आप जो है अपना काम भी कर रहे हैं और साथ में इंटरनेट पर हमारी ज़बान को आप जो है प्रमोट कर रहे हैं। मैंने तकरीबन उर्दू में जो है कई सारे वैलिडेशंस किया हूं और बहुत सारे, चूंकि कंटिन्यूसली फील्ड में रहने की वजह से अभी तक का जो कंट्रीब्यूशन रहा तकरीबन मैंने 100 से ज़ायद जो इसके लेवल्स है वो भी इसमें अचीव किया, लेकिन इसका जो है कमर्शल कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ज़बान की हैसियत से आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। ये रही ये बात कि आया कि आपको जो है मोस्ट प्रॉबली इसके बारे में जो है गूगल की तरफ से कोई स्पेसिफिक अभी तक गाइडलाइंस नहीं आई कि क्या गूगल जो है इसको प्रमोट करने वालों को कुछ देगा। हाँ, बहुत सारी मरतबा ऐसे न्यूज़ेस आए हैं कि जो लोग भी इस पे काम करे हैं एजेंसी सतह पे, यानी कि कंपनी की सतह पे, उनको कई सारे गूगल के अवार्ड से भी नवाजा गया है, जो कम्युनिटी के आर्टिकल्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं। साथ में उमूमन होता है कि हम टेक्स्ट बेस ही ट्रांसलेशन करते हैं, बसा अवकात हमें जो है पूरे कंप्लीट मुकम्मल डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन की भी जरूरत पेश आती है, तो यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर इतने तरीके के डॉक्यूमेंट्स आप इख्तियार कर सकते हैं जिसमें जो है PDF का है, साथ में जो है वर्ड का है, टेक्स्ट है, एन नंबर ऑफ तरीके के एक्सेल का जो है डायरेक्टली आप जो है अपलोड कर सकते हैं। इसमें एक दिक्कत ये है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं जो है देखेंगे आज मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसी का ट्रांसलेशन मैं करके देखूंगा किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर, लेकिन आप ये ना समझें कि ये जो है ये जो तर्जुमा इस्तेमाल हो रहा है बुनियादी तौर पर
ये बिल्कुल सद फीसद दुरुस्त तर्जुमा रहेगा इसके बारे में। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा सा लिमिटेड रहती है। मैं एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट जो है, जैसे एक पे स्लिप है, ये देखिए, ये जर्मन में थी और इसी तरीके से मैं इसको कन्वर्ट कर पाया हूँ अरबिक में। ये सिर्फ जो है इनिशियल लेवल पे, लेकिन इसमें याद रखिए फॉर्मेट बेस्ड जो काम करना है वो अलग है। इंशाल्लाह फॉर्मेट बेस्ड वर्क क्या रहता है क्या नहीं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से आप जो है इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप सेव भी करके रख सकते हैं। जब सेव करके रखेंगे तो ये पूरे के पूरे जो है आपको सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जितने भी फ्रेसेस जो कॉमनली आप इस्तेमाल करते हैं इसको आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। जितने भी है आपका जो डाटा है वो पूरा सेव है, ये पूरा इम्पोर्ट भी किया जा सकता है। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेट तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इब्तदाई सतह पे इब्तदाई नौयत का ही हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद में जो दूसरा अहम ट्रांसलेशन का जो टूल है वो बिंग ट्रांसलेटर। बिंग ट्रांसलेशन के बारे में आप याद रखिए, ये जो है एग्जांपल बेस्ड ट्रांसलेशन सिस्टम है। और जो गूगल ट्रांसलेशन है, गूगल ट्रांसलेशन जो है स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम है, यानी जो शुमारियात पर काम करने वाला, शुमारियात पर मरकूज मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम है, यानी जो नंबर बेस्ड काम करता है, फ्रिक्वेंटली को देखता है कि कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ कौन सा वर्ड जो है इस्तेमाल हो रहा है, उसी फ्रिक्वेंटी को देखते हुए, फ्रिक्वेंसी को देखते हुए यानी कि तकसीरियत को देखते हुए ट्रांसलेशन को जो है प्रमोट करता है। अब रहा ये बात कि जहाँ पे बिंग ट्रांसलेशन सिस्टम है, ये जो है एग्जांपल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट करता है, यानी कि ये लफ्ज़ किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है और इसको जो है अगर उमूमी ज़बान में अगर कहा जाए तो वो किस तरीके से हो सकता है उसको प्रमोट करता है। हाँ, ये कि ट्रांसलेशन जो गूगल ट्रांसलेट है वो थोड़ा सा आसान तरीके का लेआउट है जो इस्तेमाल करने के लिए एक मुतरजिम के लिए आसान है, लेकिन ख़ासकर जब आप अरबी और अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त जो है बिंग ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छा है। अरबी से अंग्रेज़ी में करना है तो गूगल ट्रांसलेशन अच्छा है, लेकिन आप जो है महल दोनों की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आपको एक मतलब एक कोऑर्डिनेशन रखते हुए, लेकिन आप ये ना समझें कि सिर्फ जो है ये इस तरीके के जो टूल्स है उसी का नाम तर्जुमा है, नहीं, ये उस आदमी के लिए ज़रूरी है जो इस फील्ड में आना चाहता है, इससे वाकिफियत। यानी कि अगर कोई आदमी है, मिसाल के तौर पर अगर कोई लोहार है उसको जो है कुल्हाड़ी बनानी है तो उस वक्त उसके पास पूरे औज़ार की ज़रूरत रहती है। इसी तरीके से एक मुतरजिम को तर्जुमा करना है तो ये ट्रांसलेशन के टूल्स हैं। जब तक उसके पास जो है ट्रांसलेशन के टूल्स दस्तियाब नहीं होंगे तो उस वक्त तक जो है वो एक माहिर मुतरजिम नहीं बन सकता। माहिर मुतरजिम के लिए तहकीक़ के जज्बे के साथ साथ इन सभी स्किल्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, जो मैंने बताया कि जो फोनेटिक वैल्यूज वगैरह का जो सिस्टम है अभी इसमें उस कदर मतलब डेवलप नहीं है जिस तरीके से, अलबत्त रहा ये जो उर्दू का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये JNTU के कोलैबोरेशन से, उसकी पार्टनरशिप से चल रहा है। प्रोफेसर झा जो है यूनिवर्सिटी के, वो संस्कृत डिपार्टमेंट के अंडर में चल रहा है। मेरी जो है तकरीबन 2-3 साल पहले इनके एक कॉन्फ्रेंस में मेरी मुलाकात रही। बहुत बेहतरीन शख्सियत है जो US वगैरह से PhD तक की तकमील की है, जो उर्दू के प्रोजेक्ट को भी देख रहे हैं। और ये JNU में चल रहा है, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंडर में उर्दू मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है। इसको भी जो है आप कई सारे लिहाज से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बिजनेस वगैरह के लिए भी है। अगर आप बिजनेस ले रहे हैं तो फिर इसका जो है एक बेसिक पैकेजेस वगैरह भी आते हैं, उसको भी ले सकते हैं, या इसके APIs मिलते हैं। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप चाह रहे हैं कि उसको इंटीग्रेट करें तो वो API जो है आप परचेज कर सकते हैं इसके जरिए ऑटोमेटेड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम के लिए। उसके बाद में है Yandex ट्रांसलेशन। उमूमन गूगल ट्रांसलेशन और बिंग ट्रांसलेशन को जो है हर कोई जानता है। Yandex ट्रांसलेशन जो है अपनी फील्ड का एक मुनफरिद है। इसमें होता यह है कि आप अगर PDF की फाइल अपडेट कर रहे हैं तो PDF की फाइल ट्रांसलेटेड उसी शक्ल में जो है डाउनलोड करने की सलाहियत देता है। यहाँ पर आप आइए, यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट ट्रांसलेशन है। इवन वेबसाइट ट्रांसलेशन करना है तो बस लैंग्वेज को सेलेक्ट कीजिए और जो भी लैंग्वेज का जो करना है वो कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे उसके वैलिडेशन से देना रहता है, बस बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए, अगर कोई यूरोपियन लैंग्वेजेस वगैरह पे फोकस करता है तो Yandex जो है अच्छा एप्लीकेशन है। और ये जो है गूगल के कोऑर्डिनेशन से काम कर रहा है, उसके बैकएंड में जो APIs वगैरह है, लेकिन काम करने की नौीयत बहुत सारी मुख्तलिफ है। और जैसे ख़ासकर मैंने बोला कि यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। उसके बाद SDL Teradus जो है
ट्रांसलेशन की कंपनी का किंग कह सकते हैं हम लोग। ट्रांसलेशन कंपनी की अगर कोई किंग कंपनी है जो ज़बान अलसिना लिसानियात हिंदिया जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि इसकी लैंग्वेज की जो फलासफी है उस पे अगर कोई काम किया है तो ये SDL टैराडोस है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है और इसमें इतने तरीके के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिसमें जैसे मार्फिंग ले लीजिए, चंकिंग ले लीजिए, यानी कि फ्रेप बेस से ले लेके मल्टीपल तरीके के प्रोजेक्ट्स इनके पास चल रहे हैं SDL टैराडोस में। और क्या वो कहते हैं कि SDL टैराडोस का जो स्टूडियो है वो ट्रांसलेशन के ग्लोसरी मैनेजमेंट ले लीजिए और अपना टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट, टर्म बैंक और इसी तरीके से मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन सब के लिए ये बेहतरीन स्टूडियो है। और यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए बहुत अच्छा है ये। अभी जो है दीगर इंडियन लैंग्वेजेस वगैरह के लिए खातिर खा वो नहीं, मगर ये हमारी अपनी इंडस्ट्री का जो है ये किंग समझी जाने वाली कंपनी है और इसका लाइसेंस वगैरह का लाइसेंसिंग एप्लीकेशन भी देते हैं। एक महीने का जो है फ्री ट्रायल वर्जन भी आपको मिलता है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। उसके बाद में है ये ट्रांसजार, ये हमारी ही एक सिस्टर कंपनी है ई भाषा सीतु, जिसके ओनर हमारे करीबी दोस्त राशिद साहब हैं। माशाल्लाह बेहतरीन IIIT के कोलाब्रेशन से ये एप्लीकेशन बनाया गया है और बेहतरीन तरीके से ये लोग काम किए हैं। इनकी जो कंपनी है कार्पस पे काम की है, उर्दू कार्पस, हिंदी, बहुत सारे वर्जन्स पे काम करे हैं। ट्रांसजार की फैसिलिटी ये है कि हम देखिए तर्जुमा ये खासकर ऐसे अफराद के लिए सपोर्टिंग है जो तर्जुमे की सनअत से बराह रास्त वाबस्ता है, तर्जुमे से नहीं तर्जुमे की सनत से जो आदमी बराह रास्त वाबस्ता है उसके लिए ये एक बे इंतहा एप्लीकेशन है जिसमें ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स को मैनेज किया जा सकता है, वर्क को ट्रैक किया जा सकता है, यानी कि कहाँ पे किस लेवल पे कौन सा ट्रांसलेटर जो है काम किया है। मिसाल के तौर पर होता यह है कि हम लोग जो है ट्रांसलेशन को असाइन तो कर देते हैं लेकिन कौन सा आदमी काम कर रहा, कौन सा कहाँ आदमी काम नहीं कर रहा वो हमको मालूम नहीं। इसमें ट्रैकिंग सिस्टम है और इसी तरीके से रिसोर्सेज की प्लानिंग हो सकती है, इसमें कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। और इवन इसमें और एक फैसिलिटी यह है कि अगर हमें किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई एक इंक्वायरी है या क्यूरी है, कोई सवाल करना है, तो इसको देखते हुए यानी कि हमारे जो इंटर प्रोसेस है उसी को सामने रखते हुए सवालात वगैरह भी किए जा सकते हैं। और इसी तरीके से जो जितने मैंने बताया OCR वगैरह के फैसिलिटीज़ और इसी तरीके से टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन करना है वो सभी चीज़ें इसमें दस्तियाब हैं। जो है लॉग इन करके आपको एक शायद आपके लिए शायद ये आप सभी के लिए दस्तियाब ना हो, ये पेड वर्जन है असल में, लेकिन आप इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो मैं जो है डायरेक्टली हमारे जो राशिद साहब हैं इसके ओनर, मैं इंशाल्लाह इनका नंबर भी आपके इस ग्रुप में फराहम करूंगा। ये देखिए एडमिन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और साथ में जो जॉब यानी कि जॉब रोल्स जितने भी हैं पोस्ट एडिटेड जॉब रोल्स हैं ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर IIIT के कोलाब्रेशन से शुरू हुआ, मगर आजकल जो है कई सारे इंटरनेशनल कंपनीज़ भी जो है इस प्रोजेक्ट पे जो है काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इनके साथ कोऑर्डिनेट होते हुए काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये एप्लीकेशन है, समझिए ट्रांसलेशन इंडस्ट्री में एक अपनी पहचान बना चुका है और बहुत सारे इंडियन ट्रांसलेटर्स जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। बड़े सतह पर जो तर्जुमे की इंडस्ट्री से वाबस्ता है उन वो लोग जो है इसको खातिर खा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था ये उसका लेआउट है, यहाँ से इसकी फैसिलिटी ये है कि आपको बार बार कहीं पे जाना है तो उसकी ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से आपको जाना है। ये मिसाल के तौर पर गूगल लेना है तो यहीं पे जो है पर्टिकुलर वर्ड को जो है गूगल सर्च हो सकता है, और इसी तरीके से विकिपीडिया सर्च करना है तो विकिपीडिया सर्च हो सकता है, या यहाँ पर चैट करना है तो चैट पॉसिबल है। ये पूरी चीज़ें इसके अंदर दस्तियाब हैं। मज़ीद एक है OCR कन्वर्टर, यानी कि ये बसरी हरूफ शनासी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बसा औकात यह था कि हम लोग हर चीज़ को टाइप करना हमारे लिए दिक्कत तलब अम्र रहता है, तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप जो है डायरेक्टली अपनी फ़ाइल को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद में ये OCR में बना के देता है। उसके बाद OCR का मतलब है बसरी हरूफ, यानी कि ऐसे वर्ड जिसको अगर आप कॉपी करना चाहें तो फिर कॉपी कर सकते हैं। और अगर ये जो है 10 पेजेस के लिए अवेलेबल रहता, पेड वर्जन ले लेंगे तो आप जो है एन नंबर ऑफ पेजेस जो है OCR कर सकते हैं। ये तकरीबन सबानों के लिए अवेलेबल है। इसी के बाद आई लव PDF, ये हम लोग तो अपने लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत लेवल पे इतना साथ देने वाला सॉफ्टवेयर है ये। आप ये सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए नहीं, आपके अपने पर्सनल लाइफ में भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो है अगर PDF काफ़ी बड़ी है तो उसको कंप्रेस करना है तो आप कीजिए, इसी तरीके से PDF से वर्ड में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, एक PDF को जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, और इसी तरीके से PDF के अंदर एडिट किया जा सकता है, इसी तरीके से JPG
से पीडीएफ बनाया जा सकता है, फिर पीडीएफ से फ़ोटो बनाया जा सकता है, और इसी तरीके से पीडीएफ को मर्ज किया जा सकता है, पीडीएफ को जो है स्प्लिट किया जा सकता है, यानी टुकड़े टुकड़े या हिस्सों में बखरों में तकसीम किया जा सकता है। ये सभी चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल है। जो तर्जुमे के वक्त जब आप रियल टाइम पर जब काम करेंगे, जब एक्सपीरियंस होगा, तो उस वक्त ये टूल आपको समझेंगे माशाल्लाह कितना बेहतरीन टूल है, कितनी ज़बरदस्त सहूलत है, आपको उस वक्त महसूस होगा। ये सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं, ये आपके पर्सनल फ़ायदे के लिए भी है, ये इंशाल्लाह आपको हमेशा साथ देगा। इसी के साथ में एक यामली एप्लीकेशन है जो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर मैंने देखा। इससे पहले मुझे एक और एक एप्लीकेशन दस्तियाब था जो यूएई गवर्नमेंट की तरफ से था अरबिक में, यानी कि जो अरबिक का जो एराब है, हमारे पास ये है कि हम लोग उमूमन एराब नहीं लगाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सॉफ्टवेयर थे जो एराब जो है ऑटोमेटेड एराब जो है ऑटोमेटिकली वो लगाने वाले सॉफ्टवेयर थे। यामली की एक खासियत ये है, जब आप देखेंगे ये एप्लीकेशन है, ये खासकर जैसे मिसाल के तौर पर उमूमन नंबरात वगैरह है तो खुद ब खुद वह एक अल्टरनेट अरबिक नंबर देगा, और इसी तरीके से कुछ डिफ़िकल्ट नेम हैं, जैसे मैं लिखता हूँ अब मैं देखा राजा राम मोहन बोल के, तो इस तरीके से वो जो है आपको इमीडिएटली ट्रांसलिट्रेशन सिस्टम बोलते हैं, यानी कि ये इस निज़ाम का नाम है नकली हरफी। नकली हरफी हम जिस ज़बान में दे रहे उसी ज़बान को वो दूसरी ज़बान में कन्वर्ट कर पाता है, वो नकली हरफी इसे कहते हैं। ये आपको बहुत तरीके से ये काम में आएगा, ख़ासकर ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें जो है फॉरेन लैंग्वेजेस के वर्ड्स इस्तेमाल हुए हों, तो उसको जब हम किसी भी एप्लीकेशन में जब उन वर्ड को लिखेंगे, इवन हम लोगों के लिए कभी दिक्कत होती है कि कौन से वर्ड को जो है किस तरीके से फोनेटिकल वैल्यूज उसके बिल्कुल करीबी हैं, तो आपको यहाँ पर ये देगा कि कौन सा आपको जो है ये तीन में से कौन सा लेना है। तो ये जो मल्टी सेलेक्शन जो प्रोसेस है इसके पास है, और ये ट्रांसलिट्रेशन सिस्टम के साथ साथ उर्दू अरबी का जो कीबोर्ड है वो अच्छी तरीके से फराहम करता है, इसका एडिटर है, और इसी तरीके से इसका सर्च वगैरह है, आप इसको देख सकते हैं इंशाल्लाह। ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं सभी के टूल्स इंशाल्लाह आपको पूरी तरीके से प्रमोट किए दिए जाएंगे, और ग्रुप में इंशाल्लाह वो सभी चीज़ें शेयर की जाएंगी। अभी आइए, ये इसके साथ में एक ये टूल है, इसका नाम अरबिक जो कीबोर्ड है, शायद मैं अभी इसको अपने मोस्ट फेवरेट में, हाँ यहाँ पे देखिए, इसमें ख़ासकर जो तत्वील है, तत्वील जो अरबिक में जो तत्वील है, मिसाल के तौर पर मैं लिखा हूँ जैसे मैंने लिखा दारुल हुदा, मैं लिख रहा हूँ ये अल हुदा, मैं अलहुदा लिखा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि एक तत्वील आए। ये देखिए खूबसूरती के साथ में जो है इसको मतलब यूज़ किया जा सकता है, और इसमें इस तरह ये दीगर जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं रहते कॉमन कीबोर्ड्स वगैरह में। इसी तरीके से यहाँ पे ट्रांसलिट्रेशन सिस्टम भी दस्तियाब रहता, इसको भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इंग्लिश कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये डायरेक्टली जो है अरबिक बनेगा। इस तरीके के फीचर्स के साथ में ये अरबिक कीबोर्ड भी जो है काफ़ी अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसलेशन की सनद के दौरान। ये I2OCR है, ये सॉफ्टवेयर मान लीजिए किंग तरीके का सॉफ्टवेयर है OCR की इंडस्ट्री में, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के सिलसिले में। इवन PDF का भी वो OCR बनाता है, और दुनिया की तकरीबन बड़ी जो ज़बानें हैं यहाँ पे जब आप देखेंगे तो तकरीबन I2OCR पे आप जाइए, यहाँ पे तकरीबन ज़बानों के ट्रांसलेशंस की फराहमी और जो लैंग्वेजेस की दस्तियाबी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए ये पूरी ज़बानों का तकरीबन OCR सिस्टम है, OCR यानी कि ऐसा OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जिस जो ऐसी उसमें कन्वर्ट करेगा, जो इमेज को भी जो है एडिटेबल मोड में जो है कन्वर्ट करने के काबिल रहता है। ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें जो है बेसिक वैलिडेशन के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, और एक कन्वर्टर है। होता ये है कि बहुत सारी मरतबा PDF के डॉक्यूमेंट आते हैं उसको वर्ड में कन्वर्ट करना रहता है, या एक्सेल वगैरह की आती, और इसी तरीके से RTF आती है, बहुत सारे कन्वर्जन्स के लिए आते हैं, तो उस वक्त ये एप्लीकेशन है कन्वर्ट ऑनलाइन फ्री, इस सॉफ्टवेयर से भी इस्तेफादा किया जा सकता है। मज़ीद मैं जैसे बोला कि रिवर्स डिक्शनरी, ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जो
यानी कि कार्पस के लेवल पे, जैसे मैंने कल एक वर्ड सर्च किया, एक जो लिमा युहिमुहुल अम्र हम जैसे कहते हैं, टू होम इट मे कंसर्न, तो वो किस तनाजुर में कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है, इंटरनेट पर दस्तियाब मवाद या उसके पास जो भी फराहम है उसके लिहाज से वो पूरे के पूरे जो है इस्तेमाल किया दिया है। उस वक्त होता है ये, जब हमें किसी वर्ड का इस्तेमाल समझ में नहीं आता तो उस वक्त हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है और बहुत सारी बड़ी ज़बानों में ये तकरीबन दस्तियाब है, जिसमें से आप जो है इटालियन है, डच है, रशियन है, अरबिक है, उर्दू वगैरह भी शायद इसमें दस्तियाब है। उर्दू का तो मैं तज़िया नहीं करा, लेकिन अरबिक वगैरह दस्तियाब है, चूँकि हम लोग ज़्यादा अरबिक वगैरह के डॉक्यूमेंटेशन का जो ट्रांसलेशन के वक्त जो चीज़ें हैं हम लोग इससे इस्तेफादा करते हैं। काफ़ी बेहतरीन मतलब सोर्स अवेलेबल है इसके अंदर। इसके बाद में है संपर्क। संपर्क के बारे में जैसे मैं बताया कि मशीन ट्रांसलेशन है अमंग इंडियन लैंग्वेजेस के लिए है ये वर्जन, जो ट्रिपल आईटी में तकरीबन हिंदुस्तान के 11 से ज़ायद इदारे जो है इस पर मिल के काम कर रहे हैं, जो एक इंडिया का जो है कंसोर्शियम प्रोजेक्ट है, ट्रिपल आईटी कोलाब्रेशन से ये हुआ था। और इसी तरीके से आईआईटी कानपुर और इलाहाबाद, और इसी तरीके से अन्ना यूनिवर्सिटी और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे वगैरह जो है ये सभी लोग इसके अंदर रहे, और उर्दू के सिनारियों से यहाँ पर प्रोफेसर रहमत यूसुफ जई साहब का तज़किरा बहुत अहम है, जिन्होंने इस पर बहुत काम किया, बहुत सारे मसाइल जो उर्दू के तनाजुर में थे वो इसमें दूर हुए हैं। ये जो एप्लीकेशन है खासकर इंडिया टू इंडिया यानी इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, जैसे हिंदी से उर्दू के लिए, उर्दू से हिंदी के लिए, हिंदी से पंजाबी के लिए, पंजाबी से हिंदी के लिए, ये सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी मुआविन है और मददगार है, इससे आप जो है इस्तेफादा कर सकते हैं। इसी तरीके से गूगल लेंस, गूगल लेंस जो है एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास एक दो वक्त दो मिनट है तो मैं इंशाल्लाह जो है एक यूट्यूब का मेरा खुद एक बनाया गया वीडियो है, एक दो मिनट के लिए मैं चला भी देता हूं ताकि आपको उसका अंदाज़ा होता कि किस किस लिहाज से जो है वो एप्लीकेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन का कर रहे हैं, यहाँ की जबान अगर दूसरी है, मान लीजिए शेख ये वो दिखा सुनाई दे रहा हूँ सभी को, या कोरिया जा रहे हैं तो ऐसे वक्त में मैं अनम्यूट कर दिया, ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ट्रांसमिशन के लिए। एप्लीकेशन है जो गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, होता ये है कि इमीडिएटली टेक्स्ट जो भी हम प्रोडक्ट का या किसी किताब का या किसी मतन का अगर दे रहे हैं तो शेख ये सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा, कैसा मान जी शेख देखें, उसके लिए देखते हैं हम इस एप्लीकेशन का लाइव डेमो, उसी के लिए शेख परवेज साहब ये दिखा सुनाई दे रहा आपको जो मैं वीडियो चला, बिल्कुल सुनाई दे रहा? बिल्कुल बिल्कुल माशा, बस वॉइस को थोड़ा सा बुलंद करें, आपकी आवाज आ रही है, वीडियो की आवाज आनी चाहिए। एप्लीकेशन लेंस के नाम से एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए हम इस एप्लीकेशन का एक लाइव डेमो देखते हैं। मैं चूंकि पहले ही से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुका हूं, लिहाजा यहां पे रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव है क्या वो? हां लाइव है क्या वो? आवाज नहीं पहुंच रही आपका जो नहीं है ना, बैंकर टू द पुअर है, इसमें कई सारे ऑप्शन, आवाज नहीं आ रही है। पहला जो ऑप्शन है वहां पे जस्ट आपको क्लिक करना है, ये देख लीजिए ट्रांसलेशन के लिए अभी आ रही है, ऑटो डिटेक्ट भी हो रहा है, यानी कि इस ये ज़बान कौन सी है, खुद ब खुद एप्लीकेशन परवेज साहब आवाज आ रही है समझते हैं तो ये ऑटो डिटेक्ट हो जाती है। जी जी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट किया तो वो इंग्लिश में आया, तो लिहाजा आप देख सकते हैं बैंकर टू द पुअर माइक्रो कर्ज देने और मजीद ये लिंक इंशाल्लाह ग्रुप में भेज दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल इमीडिएट एक ट्रांसलेशन आपके सामने, यानी कि आम ट्रांसलेशन जो आपको इमीडिएटली होना है। आवाज आ रही है, आप लोग सुन रहे हैं ना? मैं सुन रहा हूं, देखिए मैं बुक को जो है बैक साइड भी देख रहा हूं, तो ये बुक का बैक साइड का तर्जुमा है आपको पढ़ना है। इसी तरीके से बटन इनको जरूरत इस चीज की पड़ती है कि बाद प्रोडक्ट रहते हैं इमीडिएटली
शुक्रिया, मैं चाहा कि इसको थोड़ा सा बताऊं। इंशाल्लाह ये एप्लीकेशन का लिंक भी आपको फराहम किया जाएगा, ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गूगल लेंस है जिसके बारे में बुनियादी तारुफ तो तकरीबन आपने देखा, उसका ये लिंक है वीडियो का। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ट्रांसलेशन हो सकता है, सर्च हो सकता है, टेक्स्ट सर्चिंग हो सकती है, और इसी तरीके से फ़ोटो सर्चिंग हो सकती है, और जो है किसी तरीके से कोई परचेस, किसी चीज़ का परचेस करना है तो भी कर सकते हैं। चंद अहम किताबें जो इस मैदान में, इस मैदान को समझने में मुआविन हो सकती हैं, वो उर्दू के हवाले से, यानी कि बिलुमूम आप जो है पूरी चीज़ों को मतलब इसमें इहाताकारी यानी कि जदीद अंदाज़ में देखेंगे तो नहीं है, ये ट्रेडिशनली जो ज़रूरी है वो है। बाकी तो इस फ़न पर जो है बहुत ज़्यादा काम हुआ है यूरोपियन कंट्रीज़ में, और ख़ास कर क्या बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका वगैरह में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बल्कि दुनिया की तकरीबन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसके पे बाकायदा जो है कोर्सेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें जो है उर्दू ज़बान में तर्जुमे के मसाइल है, एक अहम किताब है, तर्जुमे की रिवायत है, फ़नी तर्जुमा निगारी है, तर्जुमा कारी है, मजीद अंग्रेज़ी की चंद अहम किताबें हैं जो इंशाल्लाह आपको फराहम की जाएंगी। उसके बाद हैं सिर्फ हम चूंकि ट्रांसलेशन से मरबूत हैं, तो ये चूंकि ट्रांसलेशन लैंग्वेज इंडस्ट्री से मरबूत है, काफ़ी वास्ट इसका मैदान है, तो इसी वजह से साथ में तर्जुमे के साथ साथ अगर इन टेक्नोलॉजीज़ पर हम लोग मेहनत करेंगे या इसको समझेंगे, यानी कि यहाँ पे ये सिर्फ ट्रांसलेशन और टेक्नोलॉजी नहीं है, एक मुतरजिम को जो टेक्नोलॉजिकल एटमॉस्फेयर में काम करना है तो वो कौन सी अहम अहम चीज़ें हो सकती हैं जिस पे काम करना है उसके बारे में है, जिसमें एक है लोकलाइजेशन यानी मुकामी आना। आजकल देख रहे होंगे बहुत सारे जो गेम्स हैं छोटे लेवल पर जो भी गेम्स रहते हैं वो पूरी दूसरी ज़बानों में भी आते हैं, जैसे अभी एक ड्रीम एलेवन जो प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत सारे जो क्रिकेट वगैरह के सिनारियों में इस्तेमाल हो रहा है, वो उसका तकरीबन काम हमारे पास ही हुआ है, उसका तकरीबन हिंदुस्तान की 11 ज़बानों में उसका ट्रांसलेशन हुआ। और इसी तरीके से इंटरप्रिटेशन जिसे तर्जुमानी, शेख परवेज़ साहब ने कहा कि तर्जुमानी की काफ़ी अहमियत है इस्लामी इसमें भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। इंटरप्रिटेशन तर्जुमा और तर्जुमानी में थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि तर्जुमानी में जो भी अमल होगा वो रिटन में नहीं रहेगा, वो वर्बल बेस्ड रहेगा, यानी कि जो गुफ्तगू का जो तर्जुमा हो सकता रिटन में नहीं होता, जो भी रिटन में नहीं रहेगा उसको तर्जुमानी कहा जाएगा, और जो रिटन वैलिडेशन होता है तो उसको हम तर्जुमा बोलेंगे। तर्जुमा और तर्जुमानी में ये थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क है। साथ में आपको इतने ज़्यादा मतलब हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है सऊदी से या कहीं से भी आने के बाद में, बिलखसूस ऐसे उलमा इकराम जो इस मजाल में काम करना चाहते हैं, ना सिर्फ तर्जुमे में, इंटरप्रिटेशन यानी तर्जुमानी की फील्ड में, खासकर मेडिकल, जैसे कहा कि टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है और साथ में मेडिकल के लिए तकरीबन हब बना हुआ है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शायद जो है दूसरा या तीसरा बहुत ही बेहतरीन मुल्क है जहाँ पर जो है हेल्थ का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, और लोग जो है सस्ते मेडिकल केयर के लिए यहाँ पे आना पसंद करते हैं। तो गल्फ से आने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बिलखसूस अरब ममालिक से, जिसमें उमान वगैरह है, सऊदी अरब है, दुबई वगैरह से लोग आके यहाँ पे अपने मेडिकल का जो वो है हिस्सा है तो उसमें काम करते हैं। तो आप जैसे हजरात के लिए जो बराहे रास्त वहाँ पर हैं और अरबों की जो नेचुरल लैंग्वेज है उससे वाकिफ़ हैं, और वहाँ के जो लहजा है, लबो लहजा है, जो कलोकियल लैंग्वेज है, लुगत दारिजा है, उससे वाकिफियत चूँकि आपको मिलती है तो इंटरप्रिटेशन में बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा। ना ही सिर्फ जो है उस लेवल पर, बल्कि आजकल कई सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट का कोलाब्रेशन माशाल्लाह अभी तकरीबन अरब GCC से जो है कंट्रीज से काफ़ी अच्छा कोलाब्रेशन है, तो बहुत सारे अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। पहले हम लोग कभी ये नहीं सोचे थे कि अरबी का कोई प्रोजेक्ट जो है यहाँ से रन हो पाएगा, लेकिन आपको आपकी तला के लिए बड़े बड़े बैंकों के जो ट्रांजेक्शन सिस्टम्स है, बड़े बड़े कंपनीज के जो कॉल सेंटर्स है वो अरबिक में हिंदुस्तान में अवेलेबल है और वो जो है काम कर रहे हैं। इसमें भी आप जो है अपना एक करियर बना सकते हैं तर्जुमानी की फील्ड में। और इसी तरीके से सब टाइटलिंग है, सब टाइटलिंग में जैसे कोई भी एक वीडियो है, वीडियो के जो जो है शॉर्ट में जो है टाइटलिंग्स आते हैं दूसरे ज़बानों में ज़रूरत रहती, इसको भी आप फील्ड बना सकते हैं इस्लामिक लिहाज से भी। अब अमूमन जो है सब टाइटलिंग फिल्मी जो दुनिया है उसमें इस्तेमाल होता है, आप सभी तो जो है उससे मुतालिक अफराद नहीं रहेंगे, लेकिन जो कामन अफराद है जो भी इसमें भी आना चाहते हैं वो उनके लिए भी जो है इसमें राहें हमवार है। फिर ट्रांसक्रिप्शन, एक नकली हरफी दो तरीके से नकली हरफी होती है, एक सौती नकली हरफी होती है यानी
यानी आवाज़ की नकल हरफी है, और इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन जिसे बोलते हैं, नकल सौती है वो, और इसे ट्रांसलिट्रेशन यानी कि जो वर्ड जैसे है, जैसे मैं अभी लिखा था राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जिस तरीके से अरबिक में लिखना थोड़ा सा दिक्कत है, वो जो इमीडिएटली वो बनाएगा तो उसको ट्रांसलिट्रेशन सिस्टम बोलते हैं। बहुत सारी ऐसे कंपनीज है जो चाहते हैं कि जैसा लिखा है वैसे ही लिख कर दे दीजिए, उमूमन ये अंग्रेजी में होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन काफ़ी मशहूर है। लेकिन अभी हम लोग रिसेंटली थोड़े दिन पहले जो है पार्लियामेंट के जो सेशंस हुए थे अंग्रेजी में जिनका भी हुआ, उसको जो है हम पूरे का पूरा ट्रांसक्रिप्शन करके दिए हैं। इस तरीके से भी होता है समझे। उसके बाद OCR जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बताए, टेक्स्ट टू स्पीच यानी कि मैंने जो बोला अभी वो जो लिखा गया, जैसे अभी मैं एक मिसाल भी दिया था, और इसी तरीके से स्पीच टू टेक्स्ट जिसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं यहीं पर लिखता हूँ, मेरा नाम खालिद है, ये जो लिखा गया है मेरा नाम खालिद है मेरे बोलने की वजह से, ये है स्पीच टू टेक्स्ट, यानी मैंने जो कहा वो टेक्स्ट में तब्दील हो गया। फिर जो है टेक्स्ट इनटू स्पीच, यानी अभी मैं कह रहा हूँ मेरा नाम खालिद है, ये जो मैं कह रहा हूँ ये टेक्स्ट इनटू स्पीच। इस तरीके से जो कन्वर्जन टेक्नोलॉजी है इसको NLP के दायरे में लाते, जिसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फितरी जबानकारी के जिम्न में देखा जाता। कभी आपको मौका मिला तो विकिपीडिया पे आप जो है थोड़ा सा वक्त निकाल के आप जो है ज़रूर इसको देखें, कितना बेहतरीन ये सेगमेंट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। बहुत मज़ा आएगा, बहुत खुशी होगी। तकरीबन 18 से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज हैं जो इस ज़िम्न में आती हैं और आप जो है फ्रिक्वेंटली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस इंडस्ट्री में आप बना सकते हैं इंशाल्लाह, बहुत सारे चीज़ें हैं। इसके बाद है हाज़रीन से दरख्वास्त, इस मैदान में रोज़गार के साथ साथ दावत इस्लाम के भी मुख्तलिफ तर्ज मुजमर हैं, जिनको अपना कर जो है दुनिया व आखिरत में फला व बहबूदी हासिल की जा सकती है। यानी कि सिर्फ जो है तिजारती डॉक्यूमेंट ही नहीं, मजहबी लिटरेचर का भी बे इंतहा जो है ट्रांसलेशन का काम हो रहा है। मेरे काफ़ी करीबी दोस्त है अब्दुल वासे साहब, सिर्फ और सिर्फ अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी का तर्जुमा करते हो, और सिर्फ मजहबियात पर करते हैं, सिर्फ इस्लामी उमूर पर, मतलब माशाल्लाह बेहतरीन है। मैं भी इंशाल्लाह उनका भी नंबर शेयर करूंगा, फर्दर कभी जो है एक हम सेशन रखेंगे दारुल हुदा से, इंशाल्लाह उनकी भी खिदमत हम लोग ले सकते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद है माहसल व नताइज, प्रोग्राम का खुलासा यह है कि तर्जुमे के मैदान में 3-4 माह के मुसलसल के बाद कदम रख सकते हैं, और एक मुकम्मल किताब जो तकरीबन 100 सफहात पर मुश्तमिल हो, अगर उसका तर्जुमा करने में आप कामयाब हो जाएंगे तो इस मैदान में मजीद दिलचस्पी पैदा होगी और महारत भी। होता यह है कि हम लोग ज़रा सा डरते हैं इब्तदा करने के लिए, आप कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगाज़ करने के लिए एक किताब को जो कम से कम 100 सफहात पर हो, किसी भी ज़बान पर जिसको आपको अबूर हो, किसी भी ज़बान जो हदफी ज़बान हो जिस पर आपको अच्छी तरीके से दस्तरस या गिरफ्त है, उस पर आप उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दें। उसके बाद में आपको उसका मज़ा लग जाएगा, आप उसके बाद बैठे मतलब बैठे बैठे यूं ही तर्जुमे का काम जो है आगाज़ कर सकते हैं, और एक अच्छे प्रोफेशनल यानी कि एक पेशावर जो है मुतरजिम बन सकते हैं। उसके बाद पैगाम ये है कि अपने आप को इल्मी अदबी और तहकीकी मिजाज से वाबस्ता रखने का ये एक अनोखा मैदान है जिससे आप जुड़े रहें, बहुत बेहतर होगा। रहा ये कि अभी अगर आपके पास कुछ सवालात वगैरह हैं तो सवालात के बारे में इंशाल्लाह शेख परवेज़ साहब जो है उसके हिदायत वगैरह बताएंगे, इंशाल्लाह उसके लिहाज से मैं उसके जवाब भी दूंगा। बेइंतहा शुक्रिया। नसीरुद्दीन साहब का भी आया है अभी, शेख परवेज़ साहब आप उससे मुतालिका जो भी हिदायत हैं वो फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह आप अबू मज़हर खालिद सिद्दीकी साहब को सुन रहे थे। सबसे बड़ी खूबी हमारे हरदिल अजीज अबू मज़हर साहब, अबू मज़हर खालिद सिद्दीकी साहब की एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनकी फिक्र होती है कि जो मालूमात, जो इंफॉर्मेशन और जिस फील्ड में उन्होंने माशाल्लाह तरक्की की है, क्योंकि अबू मज़हर खालिद सिद्दीकी साहब और हमारा ताल्लुक 1997 से है, तकरीबन हमारी 23 साल दोस्ती है। माशाल्लाह मैंने उन्हें बहुत करीब से परखा है। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि माशाल्लाह जो मारिफ, जो खिबरात, जो तजुर्बात, जो बड़ी मुश्किल से माशाल्लाह इन्होंने मराहिल तय किए हैं, मशीनी लैंग्वेज पर PhD करना ये कोई आसान मरहला नहीं था, ये सब मालूमात वो मिनटों में शेयर करने में जरा बराबर तरद्दुद नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है, वरना इदारों में और बासलाहियत अफराद में एक बड़ी कमी ये होती है कि अपने मालूमात और मारिफ को शेयर करने से बड़े कतराते हैं। हालांकि सोचना ये चाहिए कि अगर अबू मज़हर खालिद सिद्दीकी साहब के जो तजुर्बात और खिबरात से कोई मुस्तफीद होता है, कोई खुद कफील होता है, कोई खुद मुख्तार होता है और एतमाद से आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं अबू मज़हर खालिद सिद्दीकी साहब के खाते में शुमार होंगी और ये
लेक्चर भी उनके मीजान हसनात में शुमार होगा। तो बहरकैफ बेहतरीन प्रेजेंटेशन हमें सुनने को मिला। कबल इसके के सवालात का सेशन हम शुरू करें, एक दो बातें थी मेरी तरफ से। अबू मजहर साहब ने पूरे यानी लेक्चर में यही बताने की कोशिश की, हमारे एतमाद को बुलंद करने की कोशिश की, और कहा कि हमारे अंदर जो आम मुतरजमीन जो मैदान में काम कर रहे हैं उनके मुकाबले में बहुत से मुमय्यिज़ात हैं। मसलन आप अरबी फसीह जबान जानते हैं, आप लुगत दारिजा जो यहाँ आम पब्लिक की जबान है, जो आम मुफाहमत के लिए इस्तेमाल होने वाली जबान, उस पर भी उबूर रखते हैं, और नुत्क पर माशाल्लाह आपकी दस्तरस है। तो इसके जरिए आप इस फील्ड में अगर कदम रखेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत आगे निकल सकते हैं। ये रही बात। और दूसरी बात, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम अपने आप को पहचाने, अपने सलाहियतों को जानने की कोशिश करें। इदारे में सबसे अहम चीज होती है, चाहे वो अत-तख्तीत शख्सी हो या अत-तख्तीत मुअस्ससी हो, तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम अपने आप को पहचाने। अइन नहनु, हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, मन नहनु, और हमारी फिलवक्त क्या सलाहियत के हम मालिक हैं, किन महारात पर हम उबूर रखते हैं, और उसके अलावा हमारे इम्कानियात क्या हैं। इन सब चीजों का जो संजीदा जायजा लेगा फिर इंशाअल्लाह कामयाबी इंशाअल्लाह कदम बुसेगी। तो सबसे पहले अरबी क्या जानना चाहिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब हम इस फील्ड को नहीं जानेंगे तो फिर कोई बड़ा अहम रोल अदा नहीं कर सकते। कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। तो सबसे पहले हम जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को समझें। अरबी जबान जो कि मिलियार वो मिलियार से ज्यादा यानी मुसलमानों की इबादत वाली जबान है, लुगतुल्वाद है ये, लुगतुल कुरान है ये, और अक्वाम मुत्तहिदा के पास जो छह यानी जिस पर एतमाद है वैसी जबानों में से एक जबान है ये। अरबी जबान तरतीब के हिसाब से चौथे मकाम पर है पूरी दुनिया में, और ये जो जबान है तकरीबन 60 मुल्कों में बोली जाती है और 6 मुल्कों में एक रस्मी मकाम रखती है। अरबी जबान 60 मुल्कों में बोली जाती है और 26 मुल्कों में समझिए उसकी रस्मी हैसियत है। और इसी के साथ साथ अगर आप अंग्रेजी हरूफ और कलिमात का जायजा लें तो 6 लाख से ज्यादा नहीं है, और इसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज के जो पूरे कलिमात हैं वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है, और रूसी लैंग्वेज के जो पूरे कलिमात हैं वो 1,30,000 से ज्यादा नहीं है। लेकिन जब अरबी का आप मुकारना करेंगे तो अरबी के कुल माजिम को रखकर जो एहसाइयात व अरकाम बताए गए तकरीबन 12 मिलियन से ज्यादा कलिमात अरबी जबान में हैं, और तकरीबन 422 मिलियन लोग इस जबान को बोलते हैं। तो बहरकैफ आप जिस जबान को जानते हैं उस जबान की मार्केट में क्या अहमियत है, उसमें आप कितना काम कर सकते हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे अपने आप को और अपनी जबान को नहीं पहचानेंगे तो आगे कोई बड़ा रोल अदा नहीं कर सकते। सबसे पहले इंसान को चाहिए कि वो एहसास कमतरी से और माहौल से जरा ऊपर उठकर सोचे, तभी जाकर कोई जिंदगी में कोई बड़ा इंजाज कर पाएगा। अब मौजू पर मैं आ रहा हूं, तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद आपको लैंग्वेज सीखने के हवाले से और ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट के हवाले से पूरी किताबें PDF इंशाल्लाह फराहम की जाएंगी, और जितने अहम तरीन रवाबित और लिंक्स हैं वो फराहम की जाएगी। और इसी तरह इस फील्ड में अगर आप मुतखस्सिस बनना चाहते हैं तो डॉक्टर अबू मजहर सिद्दीकी साहब का नंबर और उनके जरिए और मुतखस्सिसीन के रवाबित इंशाल्लाह आप तक पहुंचाए जाएंगे बिदनिल्लाह। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले इंशाल्लाह यहाँ पर एक लिंक भेजी जाएगी जिसमें हाजिर होने वाले और प्रोग्राम में शरीक तमाम अफराद के लिए इंशाअल्लाह शहादा की भी फराहमी होगी, सबको सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाएगा। और आखिर में प्रोग्राम की तकीम के हवाले से एक लिंक है, और उसमें कोशिश करें कि अपना सही नाम लिखें जिसकी बुनियाद पर आपको आपके मेल पर या व्हाट्सएप पर शहादा फराहम किया जाएगा। अब हम सवालात के सेशन में आते हैं, तो सबसे पहले हमारे अशफाक भाई मौजूद है ना, ऑनलाइन है ना? जी हाँ जी हाँ। अशफाक भाई और अबू मजहर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, जो लोग
जो लोग हाथ उठाए हैं, अमजदुद्दीन जामई साहब को मौका दिया जाए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سب سے پہلے تو اللہ کا شکر اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور تمام کے لیے نافع اور مفید بنائے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں اور جن کی بھی اس میں مشارکت سوالات چونکہ کئی سالوں سے ترجمے کے فیلڈ میں عربی اردو تلگو میں ہونے کی وجہ سے کئی سارے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا یہی ایک پروگرام ہے یا اس کے بعد بھی اور کریں گے ہماری تمنا ہے کہ ان کو جاری رکھا جائے اور اہل خبر جن کے پاس بھی خبرات ہیں تجارب ہیں ان کے بھی تجارب آپ کے بھی اور بھی سامنے آئیں تو اس سے اور استفادے کا موقع ملے گا جو پریزنٹیشن دیا جا رہا تھا اس پر توجہ رکھنی بھی ضروری تھی سوال یہاں پر فی الوقت میں پہلا یہ کرنا چاہتا ہوں جس کو کر دیا ہوں کہ اور بھی موقع ہمیں دیں گے نہیں دیں گے آپ لوگ نہیں دیں گے تو پھر ہم آپ سے زبردستی لینے کی کوشش کریں گے اس کے طریقے بھی کچھ ہوں گے جزاک اللہ خیرن اس اپنائیت کا اور دھمکی بھرا سوال کا انشاءاللہ آپ کی طلب اور آپ کی فرمائش کے مطابق انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا انشاءاللہ دوسرا سوال ابراہیم شیخ پرویز صاحب مداخلت معذرت خواہی کے ساتھ نصیر الدین صاحب ہیں آپ ہمارے استاد کے کافی قریبی دوست ہیں یعنی کہ آپ ہمارے استاد ہی ہیں انشاءاللہ ہم لوگ سوچے ہیں کہ ایسے افراد ایسے علماء کرام جو ہمارے ماں بہن ہیں جن کو تربیت کی ضرورت ہے باقاعدہ طور پر انشاءاللہ دارالہدیٰ کی جانب سے بہت سارے پروگرامز انشاءاللہ میں سوچا ہوں کہ کم سے کم ایک ون ویک ہر ویکلی یعنی کہ ویکلی ونس کے طور پر اتوار کے دن چونکہ میں خالی رہتا ہوں تو انشاءاللہ عملی طور پر ہم لوگ جو ہے کچھ آرگنائز کریں گے اور اس پر کچھ پہل ہوگی انشاءاللہ شیخ پرویز صاحب اس کے بارے میں کل بات کیے تھے اور انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے جیسے بھی جو بھی مطلب فردر انفارمیشن رہے گا گروپ میں آپ کے ہمراہ شیئر کیا جائے گا جی نصیر الدین صاحب بہت شکریہ آپ کی ہمت افزائی کا انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس طرح کے اور پروگرامز ہوں اور انشاءاللہ آپ کے پرسنل پر اور گروپ میں انشاءاللہ ہم لوگ مطلع کریں گے باذن اللہ دوسرا سوال ہمارے رفیق عمری صاحب کو لیں رفیق عمری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر کافی بہترین پروگرام رہا شاہ الحمدللہ کئی نئے معلومات حاصل ہوئے اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت نصیب کرے جو پروگرام آرگنائز کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں برکت دے شیخ میرا سوال یہ ہے کیونکہ میں عربی اور اردو زبان سے تلگو ترجمہ کرتا ہوں تقریباً 2 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں آپ کی مجھے ایک میرا سوال یہ ہے کہ گوگل ٹرانسلیٹ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو عربک ان پٹ کا صحیح طریقے سے دینا ضروری ہے یہ آپ نے اپنے اس لیکچر میں کہا تو عربک جو مواد ہے اس کو ان پٹ کرنے میں کن باتوں کا ہم خاص خیال رکھنا چاہیے یہ میرا ایک سوال ہے اور اردو زبان بھی ان دونوں زبان میں جب ان پٹ دیتے ہیں تو کن باتوں کا ہم خاص خیال رکھے یہ ایک چیز جی رفیق بھائی شاید رفیق بھائی سے اگر میں شاید آپ حیدرآباد سے ہیں رفیق صاحب جی بالکل 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 میں وہی بول رہا ہوں میں آپ سے جو ہے شخصی طور پر معرفت ہے آپ سے میں بخوبی واقف ہوں میں آپ سے ماشاء اللہ شیخ اصل میں یہ ہے کہ ورڈ سیگمنٹ سب سے مین امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ورڈ سیگمنٹ کا مطلب جو ہم ڈاٹا ان پٹ کر رہے ہیں وہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے ایک ورڈ ہے کیلا کیلا جو لکھتے ہیں ہم لوگ جو میخ کے معنی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ویزیبلٹی کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو کیلا بھی اسی طریقے سے دکھائی دیتا آپ کو جو ماؤس کے معنی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بنانا کے لیے جب ویزیبلٹی دونوں کی دیکھتے ہیں تو سیملر طریقے کا کنٹینٹ ہے سیملر طریقے سے دکھائی دیتا لیکن جب مشین میں جب ان پٹ کریں گے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ریکگنائز نہیں کر پاتا کہ آپ کون سا ورڈ لینا چاہ رہے ہیں
तो इसीलिए हमको ये होना है, हमको ये मालूम होना है कि असल में होता ये कि कंपोजर्स जो रहते हैं, जो इनपुट करने वाले वैल्यूज जो इनपुट करते हैं, वो लोग गलती करते हैं। यहाँ पे उमूमी फ़र्क ये है कि जो छोटी या और बड़ी या का जो मसला है, जैसे हम केला जब लिख रहे हैं तो वहाँ पे वो हिंदी वाला या है, जब हम अलिफ बा ता से जाते हैं तो ई और ए जो आता, ए का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदी फोनेटिक्स ही में दस्तियाब है, वो कोई उर्दू वाला अवेलेबल नहीं। उर्दू अरबी में जो ई है, देखिए जो हमारे पास अरबिक में बैल है और उर्दू में बील है, ई है, ए नहीं है अरबिक साउंड। तो उमूमन ये होता है कि ऐसे अफराद जो अरबियाना रहते हैं वो लोग उमूमन गलती ये कर देते हैं कि जो बड़ी या जहाँ पे इनपुट करना था वहाँ पे छोटी या इनपुट कर देते हैं। ये अरबिक और उसी तरीके से अलहैया हम लोग लिखते हैं, हैया में जो हमजा है, हमजा और या के साथ में जो की है उसकी UTF-8 जो कंसोर्शियम प्रोजेक्ट है उसके अंडर में UTF-8 का जो कीबोर्ड है उसके लिहाज से आपको बिल्कुल वो आती। और इसी तरीके से मैं आपको एक तत्वील के बारे में बताया था, तत्वील भी जो है यूनिकोड में एक स्पेसिफिक वैल्यू रखती। जब हम लोग करते रहते हैं, जब ट्रांसलेशन करते हैं मशीन ट्रांसलेशन का, अगर इसमें आप और एक बात याद रखिए, ये जितने भी ट्रांसलेशन के टूल्स मैंने बताया है, ये ट्रांसलेशन के टूल्स सिर्फ मुतरजिम के लिए हैं जो तर्जुमे की से हमाहंग है, वरना हर आदमी जो है ट्रांसलेशन इन एप्लीकेशन से नहीं कर सकता। ये सब मुआविन टूल्स हैं, ट्रांसलेशन के कितने भी टूल्स हैं ये मुआविन टूल्स हैं। हर कोई जाके उसे ट्रांसलेशन करके मैं एक माहिर मुतर्जिम हूं इसका दावा नहीं कर सकता। इवन हम लोग जो है उस पर बिल्कुल थीसिस वगैरह लिखे हैं, हम लोगों को चूंकि उसके उसमें एरर क्लासिफिकेशन या एरर आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं तकरीबन 12 से 15, मेरा इंशाल्लाह PhD का पूरा थीसिस मैं शेख परवेज साहब से शेयर करूंगा इंशाल्लाह, वो ग्रुप में आपको फराहम करेंगे, इसके एरर आइडेंटिफिकेशन उसमें पूरे हुए हैं। कभी आपको वक्त मिला तो आप वो पढ़ लीजिए, तकरीबन 18 से ज्यादा ऐसे एरर्स हम लोग कॉमन मिनिमम करते हैं जिसकी वजह से जो है ट्रांसलेशन में गलतियां होती हैं। तो वो जो है अगर आपको समझ में आ गई तो इंशाल्लाह आप जो है मशीनी तर्जुमे का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझाऊंगा कि मैं जो है डिलीवर कर पाया अपनी बात को। रफीक भाई, अगला सवाल है अबुल बयान मोहम्मदी। अबुल बयान मोहम्मदी, अबुल बयान मोहम्मदी, आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मदी साहब, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर सर, आपका बड़ी मौसर अंदाज में, बेहतर अंदाज में आपने बहुत सारी मुफीद बातें बताई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बस मेरा सवाल ये था, दरअसल मैं रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखता हूँ और अरबी ज़ुबान मराठी ज़ुबान सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ किताबें वगैरह मैं पढ़ रहा हूँ और उमूमी तौर पर गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल करता हूँ। तो आपने जो इतने सारे टूल वगैरह बताए तो उसमें से कौन सा टूल मेरे लिए मराठी जुबान के लिए बेहतर होगा, थोड़ा आप इसके तल से थोड़ा बताइए। तो शेख फिल वक्त तो जैसे मैं बताया कि हर एक टूल में कुछ ना कुछ खास खासियत रहती, यानी कि बास चीज़ में अच्छी निकलती हैं, बास चीज़ का जो है आउटपुट अच्छा बेहतर निकलता। आप जब जितना ज़्यादा इन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे उनकी क्लासिफिकेशन आपके मन में खुद ब खुद आएगी कि कौन सा अच्छा काम कर रहा है आपके प्रोसेस के लिहाज से, कौन सा ऐसा है जो आपके प्रोसेस के लिहाज से उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो आपके तजुर्बे के लिहाज से उसमें जो है मतलब वो है। लेकिन मोस्ट फेवरेट अगर बोलेंगे, चूंकि अभी मैं बताया कि गूगल फिलवक्त जो है नीरो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, नीरो का मतलब यह है कि पहले जो प्रोसेसिंग होती थी गूगल की स्टार्टिंग जो था वो रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम से था, यानी कि वो कानून पर मबनी जो है जबान के उसूलियात कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के अंडर में आता, उस दायरे में काम होता था। उसके बाद में हुआ ये कि वो अपने आप को स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन पे आया, यानी कि शुमारियाती लिहाज से जो उसमें तकसीरियत थी, जितना फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला डाटा उसके पास मौजूद था उसके लिहाज से वो बड़े कार्पस को इस्तेमाल करके वो कर रहा था। अभी फिल वक्त ऐसे है कि वो नीरो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि फ्रिक्वेंटली को भी देखेगा और उसके लिए सबसे सूटेबल वर्ड को भी देखेगा और उसको जो तलाश करने की जो रफ्तार है, मिसाल के तौर पर अभी मान लीजिए मेरा जो रूम है 180 square feet का ये रूम है, पहले होता था 180 square feet के लिए एक आदमी रहता था देखने के लिए, अगर कोई चीज में बोला ढूंढो तो वो पूरे आदमी को घूमना पड़ता था। अब ये होता है कि 180 पे हर एक स्क्वायर फीट के लिए एक
बंदा रहेगा, जैसे महबूब तुम तलाश कर दो तो इमीडिएटली उसका सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है और वो मतलब काम करना चालू करता है। तो उसमें इतनी रफ्तार आ गई है असल में गूगल में। तो मेनली क्या है, अब जब हम देखते हैं बड़े लेवल पे, तो चूंकि इसका यूटिलाइजेशन आम हुआ है, ये जितने भी सिस्टम्स है, मिसाल के तौर पर अगर आप इस ट्रांसलेशन सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बजाते खुद आप इस्तेफादा कर रहे हैं, सिस्टम खुद इस्तेफादा करता है। और आपने आपको जैसे मैं बोला, आप खुद उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और आप उससे दोबारा इस्तेफादा, जैसे इसमें होता यह है कि मजीद जैसे मैं ट्रांसजार के बारे में मैं बोला था, आप इंशाल्लाह आप पर्सनल पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं हमारे राशिद साहब से बात कराता हूँ, आप उसका एक वर्जन ले लीजिए कैट टूल्स का, अगर आप उसमें काम करेंगे, वो उसका भी जो बैकएंड है उसका एपीआई जो है गूगल का एपीआई रहता, आप जब उसको कनेक्ट करके जो इस्तेमाल करेंगे फिर बाद में उसी तरीके से फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले जुमले आ जाएंगे, तो वो बताएगा आपने इस तरीके का जुमला पहले तर्जुमा किया था, उसको तर्जुमा करने की जरूरत नहीं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहां पे बोल के, वो खुद ब खुद बताएगा। इस तरीके की जो है हाई लेवल की टेक्नोलॉजी उसमें आई है, आप उनको इस्तेमाल कीजिए, ये बेहतर है कि आप जो है मजीद उस पर काम करते रहें, काम करने से काम आता, तीन से चार महीने के अंदर मुसलसल मेहनत के बाद में आपको वो पूरी चीजें टेक्नोलॉजी समझ में आती है इंशाल्लाह। जी शेख मोहम्मद साहब, मैं समझता हूँ कि आपको डिलीवर कर पाया मैं। अगला सवाल नूर अहमद कंचूर, इनको म्यूट कर दो। नूर अहमद कंचूर क्या सवाल के लिए आ रहा है, क्योंकि काफी देर से हटा हुआ है प्रोग्राम के दरमियान में था। नूर अहमद कंचूर साहब, जी नूर साहब, जी शेख अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शेख बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं तकल्लुफात में बड़े मतलब कड़े बिना आपसे ज्यादा वक्त ना लेते हुए अहम सवाल ही है। सबसे पहला सवाल ये है कि तर्जुमे के कोर्स के लिए सबसे मतलब बेहतरीन इंस्टीट्यूट कौन सी होगी। अब आपने कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट से आपको मतलब जुड़ना चाहिए, तो कौन से हमारे लिए मतलब बेहतर रहेगी। अगर आपके पास टाइम है, आप जो है मतलब मुतजवीज नहीं है और आपके ऊपर लेबिलिटीज वगैरह नहीं है किसी भी तरीके की, तो उस वक्त जो है आपके पास मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में एक अच्छा कोर्स है ट्रांसलेशन स्टडीज का, वो कर सकते हैं जो पीजी लेवल का है। आप किस मदरसे से पढ़े हैं? उमराबाद से। हाँ, उमराबाद का तो मुआदला है, उसमें मुआदला है। उमराबाद की शहादत पे जो है आपको इंशाल्लाह पीजी में एडमिशन मिलेगा। 2 साल का अगर पीजी कर लेंगे तो आपको जो है एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर बनने के लिए। ठीक है शेख, दूसरा सवाल मेरा ये था, वो हमारे शेख रफीक साहब ने आपसे पूछ लिया कि वही मतलब गूगल ट्रांसलेट में बहुत सारे मतलब गलतियां रहते हैं, अगर उसमें हम लोग स्पेस भी अगर मार देंगे ज्यादा तो वो गलत देता था, उसका जवाब आपने वहां पर दे दिया है, तो ये सवाल हो गया। तीसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल आपका जाती सवाल है शेख, जरा माजरत चाहता हूँ, आप किन किन जुबानों का तर्जुमा कर सकते हैं? मैं तो जो है उर्दू अरबी और अंग्रेजी का ही करता हूँ शेख, ज्यादा तो हम लोग उसी का करते रहते हैं। हमारे पास जो ज्यादा है वो उर्दू अरबी और अंग्रेजी का, और आजकल तो मैं खुद भी शख्सी तौर पर उतना ज्यादा तर्जुमे का काम नहीं करता, हमारे ऑफिसर से तकरीबन वही लोग करते, चूँकि अब अपने पास तो उतना वक्त रहता भी नहीं, जैसे कि आपको खुद वाकिफियत है इससे। एक वक्त था हम लोग बहुत काम करते थे, गुज़िश्ता 10 साल से मैं तर्जुमे का ही काम करा, अभी फिल वक्त तो उतना वक्त दस्तियाब भी नहीं रहता, चूँकि देखिए ट्रांसलेशन स्टडीज हम लोग पढ़े हैं। ट्रांसलेशन स्टडीज का मतलब है कि तर्जुमे के मुतालात पे हम लोग बात करना है, हम लोगों को जो है उसके प्रिंसिपल्स पे डिस्कशन नहीं करना है। अमली तर्जुमा जो है तकरीबन लोग थोड़ी बहुत जो है हम लोग अगर उनको सिखा देंगे तो वो लोग सीख जाएंगे। अमली तर्जुमे से भी बढ़ के जो चीज़ है, आज फिल वक्त नज़रियात तर्जुमा पे बहस होनी सख्त ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि तर्जुमे में जो मुदाखलत के नज़रियात है वो इतने, अभी आपके बारे में एक बात बता दूँ, जो न्यूक्लियर वार जो पहली वार हुई थी जापान और अमेरिका के दरमियान में, उस वक्त जो उसका एक मेन रीज़न समझा जाता है वो इंटरप्रिटेशन यानी कि तरसील में कमी की वजह से हुआ। ये था कि अमेरिका की तरफ से एक अल्टीमेटम जारी हुआ था कि इस तरीके से हम लोग हमला करेंगे, तो जापान उस वक्त बोला ठीक है हम लोग जो है सोच विचार के उस पर बात करेंगे बोला था। तो उसमें उस सिनारियो में जब सोच विचार के बात करेंगे बोल के बोला, तो बंदा जो इंटरप्रेट कर रहा था वो उसको इस तरीके से बात बोला कि ठीक है हम देख लेंगे उसको, हम लोग उसको देख लेंगे, यानी कि देख लेने का मतलब ये था कि हम लोग जो है उस सिनारियो को डील करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, मगर उसको जो है एक मजीद धमकी दिखाई दी।
तो हुआ ये कि यहाँ पे एक तर्जुमे का जो गलत अमल भी हुआ उसकी वजह से एक एक आज तक जो है एक 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 मुल्क जो है उसका नतीजा भुगत रहा, तो ये गलत इंटरप्रेट होने की वजह से हुआ। ऐसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं जो माजी में की गई हैं जिसकी वजह से जो है बहुत सारे दिक्कतें मसाइल वगैरह पेश हुए समझो। हमारे अबू बकर साहब ने दौरान खिताब भी बता दिया था, ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो प्रोग्राम्स हैं जिसके इनेकाद का जो अहम मकसद है, या तो आप एक अच्छे माहिर मुतरजिम बन जाएं, या फिर कुछ लोग इसके जरिए एक ताजिर मुतरजिम बन जाते हैं, या फिर तीसरा जो है आप एक इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। तो ये तीन मराहिल का जो आला कैटेगरी है उस पर फाइज है हमारे अबू मजहर साहब। अगला सवाल आपने कहा शेख के यामली अरबी कीबोर्ड है, और आपने ये भी कहा था कि ऑटो मतलब एराब का अरबिक में ऑटोमेटिक वही एराब दे देता है, तो वो कीबोर्ड कौन सा है जरा मुझे जानना। वो कीबोर्ड नहीं शेख, असल में क्या है, वो यूएई गवर्नमेंट की जानिब से, यूएई की गवर्नमेंट की जानिब से डेवलप किया गया था। मैं जो है उसका हरका डॉट एई के नाम से वो दस्तियाब था पहले, अभी फिलवक्त वो कुछ दिनों से दस्तियाब नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ऑनलाइन पर देखेंगे तो ज़रूर आपको जो है इंशाल्लाह मिलेगा, और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है हरका, बल्कि है हरका डॉट AE डॉट AE हरका डॉट AE शायद वो दस्तियाब नहीं, लेकिन मैं जो है इस्तेमाल करता था, बेहतरीन एप्लीकेशन। एक मिनट शेख, शेख नहीं आ रहा, देखिए बेहतर शेख। हाँ आ गया अब्दुल्ला साहब, बताइए अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला बरका अली, वालेकुम सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट श्योर, जरूर जरूर जरूर। माशाल्लाह, ये असल में हमारी खुशनसीबी है, आज इतने बराह रास्त इतने उलमाए किराम से जो है मुखातब हूँ, शायद ये अपनी जिंदगी का सबसे खुशकुन मौका है जी। मशकुर फरमाइए। इसमें दो तरीके के है, आप जो है सीन यूज कर सकते हैं, अगर अगर एक साइड में अरबिक है और एक साइड में अंग्रेजी है, एक साइड में मान लीजिए अरबिक है एक साइड में अंग्रेजी है, जी जी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स, सिर्फ अरबिक है या सिर्फ इंग्लिश है, हाँ तो उसको क्या करना है, पीडीएफ में अगर मुझसे अगर देखिए मान लीजिए पूरे नहीं अच्छा है एक्सेल में बेहतर है कि एक्सेल हो या ताकि ट्रांसलेट करना हो, अब मान लीजिए ईआरपी है पूरा ईआरपी इंग्लिश में, मुझे उसको अरबिक में ट्रांसलेट करना, तो अब उसको अगर मैं एक्सेल में लिखूंगा तो एक महीना तो मुझे सिर्फ लिखने में चला जाएगा ईआरपी, अगर वही मुझे एक्सेल में अगर वो फाइल मिल जाए कोई ऐसा टूल हो आपके इल्म में, आप उसको क्या करना चाहिए, लेबलिंग लेबल लेबल असल में जो है आप डेवलपर से उसकी लेबलिंग फाइल पूछ लेना, ईआरपी जब बनाते हैं ना ईआरपी की लेबलिंग फाइल रहती है असल में बैकएंड में इस्तेमाल होता, जो भी अपना पीएचपी जी इस्तेमाल होता है उसके बैकएंड से जो है आप उसकी लेबलिंग फाइल निकाल लेना, लेबलिंग फाइल निकालने असल में जी असल में शेख साहब ये चीज असल में मैं करवाता हूँ डेवलपर से, तो डेवलपर का भी टाइम काफी चला जाता है जी, डेवलपर हाँ यानी डेवलपर जो प्रोग्रामिंग करते हैं इस चीज में, अगर उनको बोलता हूँ सारे वर्ड को तुम जो आप
जो आप जो बता रहे हैं कि जो कोडिंग के थ्रू सारे वर्ड्स को एक तरफ कर दिया जाए, तो उसमें भी काफी टाइम चला जाता है डेवलपर को। बस मैं ये पूछना चाहता अगर कोई चूंकि हम लोग भी फील्ड के आदमी है, वो बड़ा काम नहीं है। असल में क्या है, डेवलपर बड़ा बताते हैं, वो बड़ा काम नहीं है, डेवलपर उसको बड़ा बनाता है, ऐसा तो बहुत बड़ा काम नहीं। वो जो है बमुश्किल 5 मिनट के अंदर पूरे लेबरिंग की। अलबत्ता ये है कि अगर मान लो ईआरपी काफी बड़ा है तो उस वक्त क्या होता है कि हर उसमें जो कोडिंग यूज होती है असल में उसमें मल्टीपल तरीके के क्या बोलते हैं टेबल सिस्टम आते हैं। वो क्या होता है, हर एक टेबल का जो है आपको डाटाबेस देना पड़ेगा, हर एक टेबल का जो है डाटाबेस आपको देना पड़ेगा। वो डाटाबेस देने के लिए जो है उसको टाइम लग सकता, यानी कि मल्टी मतलब थाउजेंड्स में अगर टेबल्स है तो फिर आपको जो है काम ज्यादा हो जाता। अगर वो टेबल कुछ इस तरीके का बना हुआ है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और पूरे के पूरे एक साथ निकाल के दे सकता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती। समझे, उमूमन यही है कि वो टेबल्स को निकाल के देने के लिए। लेकिन उमूमन ये भी देखा गया है कि डेवलपर्स देने से जो है वो करते हैं, थोड़ा बहुत ताखीर होती है उन लोगों की जानिब से, क्योंकि वो सेंसिटिव डाटा रहता तो पूरा डाटाबेस देने की वजह से क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर मालूम हो जाता, सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर मालूम होता। तो सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को छुपाने के लिए क्या करते हैं ये लोग, लेबलिंग फाइल नहीं देना चाहते असल में। लेकिन हमारे पास आती हैं फाइल्स, लेबलिंग के फाइल जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं वो लोग देते हैं और जो है हम लोग काम करते हैं, समझे उस पर। हाँ, ये है कि एक चैलेंजिंग टास्क तो है, वो बड़ा रहता है चूँकि, हालांकि काम कम रहता उसमें, अल्फाज वगैरह कम ही रहते हैं, मगर ये एक दिक्कत तलब है समझिए कि अगर वो लोग खाली जो है आपको टर्म्स दे रहे हैं और पीडीएफ में दे रहे हैं, फिर जो है उसको एक्सेल में करना है, तो थोड़ा सा टाइम तलब है शेखो। हाँ शेख साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अरबी जैसे कि वो कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, अब वो अरबी में काफी वर्ड आते हैं उसके ट्रांसलेट, जैसे कि मिसाल के तौर पर पैकेज है, अब पैकेज में मुझे कौन सा अरबिक वर्ड यूज करना है, जैसे मान लीजिए हिकबा है या हुजमा है, वो इस्तेमाल करना है, तो क्या शेख मालूम चल जाएगा कोई ऐसी वेबसाइट है या टूल है कि किस वर्ड के मतलब कौन सा अरबिक वर्ड इसके लिए मुनासिब होगा? ये असल में जो है शेख, असल में मैं आपको वही बोला कि ये यही है असल में, इसको एक वर्ड के जो मुतअद्दिद माने पाए जाते हैं, ये यही चीज़ है मुतरजिम का काम, वरना तो ये पूरा काम सॉफ्टवेयर ही कर पाते। अब यहाँ पे मुतरजिम जो है, मुतरजिम को अपना इख्तियार है कि कौन सा सूटेबल वर्ड्स है उसको सेलेक्ट करना, माहिर मुतरजिम का काम है। वो आएगा उसके बाद में, उन क्या करेगा कि मुनासिब वर्ड उसके आगे और पीछे यानी कि सियाक और सबाक देखते हुए वो मुनासिब वर्ड को लेगा जो उसके लिए। इवन अभी भी जो गूगल वगैरह के जो ट्रांसलेशन है वो काफ़ी अच्छे आते हैं अरबिक के लिए, जो बिल्कुल फ्रिक्वेंटिक में जो बोला ना, वो दोनों टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए ही वो आपके पास में आउटपुट आता है। उसके बावजूद भी बहुत सारी जगह है इतने गलतियां हो जाती हैं, बिल्कुल कॉमन कॉमन चीज़ें हैं जिसके गलतियां हो जाती हैं, तो उसमें क्या है आपका काम बढ़ जाता है उस वक्त। एक मुतरजिम जब उसको फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करता है तो उसको मालूम होता है यहाँ पे ये वर्ड नहीं, यहाँ पे ये, उसको इख्तियारुल कलिमात जो बोलते हैं। अभी आजकल जो है गूगल में एक अच्छी टेक्निक भी आई है, जैसे अच्छा अभी तो आपको शायद वो शेयर नहीं है स्क्रीन शेयर, इंशाल्लाह आप पर्सनल पे कभी वो कीजिए, कभी रब्ता कीजिए शाम में जो है 7 बजे के बाद में, इंशाल्लाह मैं हमेशा जो है दस्तियाब रहता हूँ, तो मैं पर्सनल पे आपको इंशाल्लाह इस पर सपोर्ट करूँगा। एक छोटी मोटी टेक्निक्स है वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो ये मसाइल ख़त्म हो सकते हैं शेख इंशाल्लाह। मीज़ान है जी, हाँ फरमाइए। नाम السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو مزهر صديق صاحب حفظ الله، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. سر میرا ایک چھوٹا سا کوشن تھا کہ اگر مان لیجیے میں یہ فیلڈ ایز اے فری لانسر اپنانا چاہتا ہوں تو مجھے کن چیزوں پر بیسیکلی فوکس کرنا رہے گا؟ میں آپ کو تھوڑا سا ہی بتا دوں کہ سر مجھے ہندی اور اردو اس کے علاوہ عربک مجھے آتی ہے الحمد للہ، اور انگلش کا جو لیول ہے اگر اس کو ہم 100 طے کریں تو مجھے تقریباً 60% انگلش سے واقفیت ہے، और कंप्यूटर के जो नॉलेज है वो तकरीबन मुझे मीडियम लेवल का है। तो इन सब चीज़ों के पसमंजर में मान लीजिए एज ए फ्रीलांसर में अगर काम करूं तो सर मुझे मजीद किन चीज़ों पे फोकस करना रहेगा और मुझे किस तरह की रुकावटें आएंगी सर, इस बारे में बस थोड़ा सा। माशाल्लाह नहीं, देखिए सिर्फ 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना है, जितने भी असहाब हैं उन लोगों के लिए मैं बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पर हमको एक मुतरजिम बनने के लिए फोकस करना है। एक थोड़ी सी बेहतर अंग्रेज़ी और थोड़ी सी बेहतर अरबिक, अच्छी अरबिक, और साथ में कंप्यूटर। अगर ये 3 स्किल्स आपके अच्छे हैं तो कोई भी चीज़ आपको एक अच्छे मुतरजिम बनने से रोक नहीं सकती। आपके पास प्लस जो हिंदी है,
अरबी और हिंदी के कॉम्बिनेशन से भी बहुत काम है फिल वक्त दस्तियाब, लेकिन लोग कर नहीं पाते क्योंकि जो अरबी के लोग हैं वो हिंदी के कीबोर्ड से वाकिफ ही नहीं रहते। आपको ये करना है कि यूनिकोड बेस्ड जितने भी टेक्नोलॉजीज और उसके कीबोर्ड्स हैं, जितने भी छोटी भी स्किल आपकी है तो यूनिकोड से मरबूत होते हुए देखिए, यानी कि वर्ड में आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकना। इवन अगर आपके पास में जो है हिंदी की टाइपिंग भी आती है तो वो भी बहुत माना खैज चीज़ है, समझिए। आप हिंदी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए हिंदी के, और एक ख़ास बात यह है कि जितने हमारे माबाइन असाब है उन सभी के लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फिल वक्त ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, 22 जबानों में जो है इंडिया में काम होने वाला है। आप अंग्रेज़ी प्लस हिंदी के कॉम्बिनेशन में काम कर सकते हैं, अंग्रेजी प्लस कन्नड़ा, जो लोकल लैंग्वेज है, जो महली, जो अपनी रियासतों की ज़बानें हैं, यानी कि सिर्फ हमारे को अरबिक पे ही फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक ख़ास बात यह है कि अभी इंडियन ट्रांसलेशन मिशन की जानिब से एक पे स्किल आने वाला है, यानी कि कोई भी आदमी अगर ट्रांसलेटर को पैसे दे रहा तो इतने पैसे से कम नहीं देना है, वो गवर्नमेंट खुद मुतय्यन करने वाली है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी, उसके पूरे पैरामीटर्स बन रहे। और एक ख़ास बात यह है कि इंडियन ट्रांसलेशन मिशन के अंडर में खुद सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रांसलेटर बनाने के लिए भी कोशिश की जा रही, वैसे भी हो रहा है अभी फिलहाल, वो काम भी जो है जारी है। इंशाल्लाह आप जब तक आएंगे या इंशाल्लाह एक साल के अंदर तक, मैं जो उम्मीद खबी उम्मीद है कि ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी मैं परसों मैसूर में था, वहाँ पे जो है ये प्रोग्राम हो रहा था, जिसको जो है शहर बेंगलुरु में फर्स्ट उसकी मीटिंग हुई, बेंगलुरु अग्रीमेंट के नाम से ही है वो, अभी तो पब्लिश नहीं हुई रिपोर्ट। और आज जो है वेंकैया नायडू साहब, जो हमारे नायब वज़ीर क्या बोलते हैं नायब सदर हिंद है, उनकी जानिब से इस पर रोशनी भी डाली गई। आज की बात बोलूँ मैं, शायद आज का उनका कोई वेबिनार आप देखेंगे, चूंकि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे था तो उसके लिहाज से भी उन्होंने जो है रोशनी डाली है उस पर, और पूरे का पूरा जबानों के एस्पेक्ट में बेहतरीन गुफ्तगू की है। वो प्रोग्राम भी जो है आप सुनने के लायक है, और उसमें गवर्नमेंट फिल वक्त क्या कर रही है और क्या करने वाली है, चूंकि ये एजुकेशन पॉलिसी बदल रही, बहुत तर्जुमे का काम आता, चूंकि इंडिया में जितनी भी किताबें हैं वो पूरी किताबों को बदलना रहता असल में। आप अपनी लोकल लैंग्वेजेस पे भी ग्रिप रखते हुए बहुत ज़्यादा काम फ्रीलांसिंग पे कर सकते हैं, घर बैठे काम कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला, मुतादिद एजेंसीज के साथ जो है इंटीग्रेट हो गया, लेकिन पहले अपने आप को माहिर बनाना ज़रूरी है। या माहिर भी नहीं बनाए तो कम से कम काम करने का जज्बा आपके पास आना है, अगर ये चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह सक्सेस हो सकते। आवाज़ आ रही है शेख? आ रही आ रही है। ये था कि शेख ने कहा कि असल और हदफ जुबान से सद वाकिफियत होनी चाहिए, और क्या वाकिफियत होनी चाहिए हमें बताइए जरा थोड़ा सा। इसमें देखिए शेख, एक कॉमन मिनिमम जो बेसिक लैंग्वेज आनी है, यानी कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उस चीज़ को समझना, या अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे तो पढ़ सकना। हाँ, इसमें कि कुछ मुबहम अल्फाज अगर है या कुछ जो है दकीक अल्फाज हैं आपको वो समझ में नहीं आए तो आप जो है डिक्शनरी से उसको हल कर सकना और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना, यानी कि उसका जो मतन है, मतन की फहमाइश के काबिल अगर आप है दोनों ज़बानें तो उससे वही मुराद है 70% तक जो मैंने कहा है, यानी कि कम से कम इतनी सलाहियत तो होना कि किसी एक अपने पास जो मौजूद रिसोर्सेस हैं, वसाइल हैं, उसको लेते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए ज़बान को आप अच्छी तरीके से समझ पाना, उसके वजह वही मेरी मुराद थी। इंशाल्लाह 15 मिनट बाद प्रोग्राम जी खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए हर एक को एक एक सवाल करने का मौका देंगे। के लिए मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, मेरे फराका जामिया सबिया बनारस से हैं। अब गुजरात के अंदर रहने के बावजूद मैं देखता हूँ कि गुजराती के अंदर, यानी गूगल सर्च के ऊपर जब सर्च किया तो बहुत सारी चीज़ें गुजराती में जब मिलती है तो देखिए दलाइल के और ऐसी बातें मिलती है जिससे हमारे आवाम के अंदर बहुत सारे मुगालते भी हो सकते हैं और बहक करके भी जा सकते हैं। बहुत सारे मवाद को लैपटॉप या तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन, बेहतर एप्लीकेशन हो या फिर जिससे बड़ी तेज़ी के साथ काम हो, ताकि बड़ी तेज़ी के साथ इसको लगाया जाए, और इसको कहाँ लगाया जाए कि जहाँ से आवाम के पास ज़्यादा पहुँच सके, इस पर रोशनी डाले तो बेहतर होगा।
इसके लिए शेख बेहतर यह है कि पहले जो है अपने मतलब के कंटेंट का फाइनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आपको जो है किस कंटेंट को आप प्रमोट करना चाह रहे और किस तरीके से मतलब कर पा रहे, अगर उसका फाइनलाइजेशन हुआ तो थोड़ी बहुत ब्रांडिंग के साथ जो है आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। फर्स्ट फाइनलाइजेशन, और साथ में आपको अहम चीज़ है, जितना भी दस्तियाब मवाद है आप उसको यूनिकोड में कन्वर्ट कीजिए। जो भी होता ये है कि जितने भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसके जैसे उर्दू जितना पीछे रह गई है, और माजरत खाही के साथ बता रहा हूँ कि उसका सबसे बड़ा रीज़न इंटरनेट पे जो पीछे रहने का जो अहम रीज़न है वो उर्दू इम्पेज है। अगर हम ये बात बोलेंगे तो जो है कंपनीज को बहुत मतलब अच्छा नहीं ठेस पहुँचेगी, इवन उर्दू वालों को ठेस पहुँचेगी, लेकिन उसका हकीकी मायने में यही एक रीज़न है कि इसलिए आपके पास बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी ये है कि आप जितने भी चीजें हैं अरे कंटेंट को फाइनलाइज कीजिए। कंटेंट को फाइनलाइज होने के बाद में आप उसको यूनिकोड में कन्वर्ट कराइए, फिर उसके बाद में वेब बेस्ड अप्रोच आप तरीके का आपको इस्तेमाल कीजिए। और साथ में आजकल जैसे परीक्षा परवेज साहब वगैरह जैसे उनका रहमा जो नबी रहमा प्रोजेक्ट है वो काफी अच्छा मतलब काम कर रहा है, जो बहुत सारी जबानों में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक मनफी जो एक लोगों की जानने से कोशिश थी, शेख ने एक पॉजिटिव अंदाज में उस पे एक अप्रोच किया है, एक तर्ज इख्तियार किया है, यानी कि एक छोटे छोटे जो है डिजाइन करते हैं, फ्रेम्स डिजाइन करते हैं और उसके बैनर्स बनाते हैं। वो जो एक्टिविटी है अगर आप उसको जारी रखेंगे कम वक्त में थोड़ी चीज़ को अच्छे अंदाज में अगर विद रेफरेंस के साथ में अगर पहुंचाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होता। लेकिन अगर आप दूर अंदेशी के लिहाज से देखेंगे तो ये तरीक़ा कार भी जो है वक्तिया तौर पर है, बड़े स्केल पे आप फोकस करना चाहते हैं। अगर आपका कोई इदारा है, इदारे में एक दो बच्चों को कम से कम रखिए जो कंटेंट को सही कंटेंट को फाइनलाइज करें, या नहीं तो शायद जो है आज के इस्लाम पीडिया वगैरह पर भी जो है आप देखिए, शायद वहाँ पर अगर गुजराती का कोई मवाद है तो वो एक अथेंटिक रिसोर्स है, उसको जो है अपनी वेबसाइट पर शायद आप जो है हमारे मौलाना अरशद बशीर साहब मदनी वगैरह जो है उनसे आप एक बाहमी मुफाहमत के साथ में या जो है एक तबादले के तौर पर जो है आप उनसे अख्ज़ इस्तेफादा कर सकते हैं, समझे। उस तरीके के जो कंटेंट जो ऐसे अथेंटिक वेबसाइट्स पर रहता है उसको प्रमोट किया जा सकता और आप जो है अपना एक मेयार बना सकते, समझे। इंशाल्लाह मैं समझ रहा हूँ वो मुनासिब हो सकता, अल्लाह आलम बिस्सवाब। राशिद साहब अगला सवाल, राशिद साहब راشد اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام جی فرسٹ اف ال معذرت کے ساتھ کہ میں آپ کے اس پروگرام میں شروع سے شامل نہیں ہو سکا سم ریزن کی وجہ سے, بس میں آپ سے انشاءاللہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے, ویسے زوم جو کوالٹی ہوتی ہے ویڈیو کی उतनी अच्छी नहीं होगी, इंशाल्लाह पूरे प्रोग्राम की वीडियो बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको मिलेगी यूट्यूब पर भी। जज़ाकअल्लाह खैर शेर। हाँ तो बस इस बारे में मुझे आपसे जानना था कि जो ट्रांसलेट के जो इदारे हैं इंस्टीट्यूट हैं तो अक्सर ऑलमोस्ट वो फिजिकल होते हैं, तो ऐसे कुछ इदारे हैं जहाँ पे ऑनलाइन होती है तालीम इसकी, जहाँ पे ऑनलाइन सिखाया जाता है, तो इस बारे में कुछ बताएं। राशिद भाई असल क्या है, तर्जुमा एक मुमारस तर्जुमा एक प्रैक्टिस करना है, तर्जुमा जो है कोई नजरियाती अमल नहीं है, तर्जुमे में नजरियात है ना कि तर्जुमा अमली तौर पर देखेंगे तो वो तदबीक ही है। आपको काम करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट जो है शख्सी तौर पर करने पड़ेंगे, या आपको जो है ऐसे इदारों में जाके फ्री में आपको काम करने पड़ेगा जहाँ पे तर्जुमे का काम होता है, तभी जाके जो है उसमें मुमारसत आती है। और रहा ये कि नजरियाती तौर पर इल्म तर्जुमे पे अभी इंशाल्लाह 20 से ज्यादा किताबें आपको मिलेंगे, शेख परवेज साहब इंशाल्लाह आपको फराहम करेंगे, आप देखिए। लेकिन ये सब करने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी, वो सभी चीज़ें नजरियाती जो तौर पर जो है वो हम लोगों के लिए मुनासिब है, क्योंकि हम एक लेवल पे अभी फिल वक्त चूँकि तर्जुमा भी करें फिर बाद में उसकी तालीम भी हासिल करें, अब लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए वो बेहतर हो सकता। लेकिन अमली तौर पर जब आप देखेंगे तो आपको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके, किसी कंपनी में जाके या किसी एक यूनिवर्सिटी में एक 3 महीने का वक्त अगर आप मुसलसल मेहनत और जिद्दोजहद के साथ निकालेंगे तो आप एक कामयाब मुतरजिम बन सकते हैं, और वो सही तरीक़ेकार है। आप कितना भी घर बैठे जो है आप जो है ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करें, ये शायद उतनी तरक्की नहीं हो सकती, और इसी वजह से भी जो है, और एक ख़ास बात यह है कि तर्जुमे की जो सनत है ये काफ़ी यूनिक है,
आजकल जो इसके नजरियात पे जो बहस हो रही है, पहले इस कदर जो है तर्जुमे पे जो है नजरियात पे बहस नहीं होती थी, आजकल हो रही है उस पर। इसी वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस पर फोकस नहीं करे। जिस तरीके से इंग्लिश सिखाने के लिए जो ऑनलाइन कोर्सेस है, अरबिक सिखाने के लिए जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो है ऑनलाइन कोर्सेस फराहम, लेकिन तर्जुमे की प्रैक्टिसेस के लिए। और एक उसके साथ दिक्कत ये है ट्रांसलेशन के साथ में, अब आप कहाँ के हैं? हाँ, आप आंध्र प्रदेश के हैं। आप जो है तेलुगु और साथ में जो है इंग्लिश और अरबी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई साहब जो है यूपी और बिहार से हैं, तो वो हिंदी में चाहेंगे। अब इन दोनों के ऑनलाइन क्लास लेने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो लोग रहेंगे उनका जो सीखने का जो मेयार रहेगा, या जो उनका सीखने का जो अंदाज रहेगा, या जो उनका एजुकेशन एकेडमिक बैकग्राउंड रहेगा, वो हर एक का डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हो सकता, यूनिकनेस नहीं रहता उसमें, हमाहंगी है। और ख़ासकर तर्जुमा जो है ये तहजीबों का एक तरीके से उभारने वाली चीज़ है, वो सामने वाले ला। तो जब मुतरजिम है वो मल्टीपल बैकग्राउंड के हो सकते हैं, जब उसके अंदर खुद तनव्वो है तो एक ऑनलाइन क्लास जो है उसके लिए फराहम नहीं हो सकती। हाँ, नज़रियाती तौर पर तर्जुमे तालीम ऑनलाइन हो सकती, अमली तौर पर तर्जुमे की तालीम थोड़ा सा मुश्किल होती समझे। इसलिए क्या है, किसी एक इंस्टीट्यूशन को एक प्रैक्टिकली जहां पे काम हो रहा वो ज्वाइन कर ले तो ये बेहतर रहता, मुनासिब रहता, क्योंकि उसमें खुद तर्जुमे में जो है एक टेक्स्ट का ट्रांसलेशन बुक के लेवल पे काम करना बहुत अलग है, और इसी तरीके से एक फॉर्मेट का काम ट्रांसलेशन के लेवल पे करना अलग है। फॉर्मेट का मतलब है जो फ्रिक्वेंटली आने वाले जो डॉक्यूमेंटेशंस है, जिसमें मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट्स है, पे स्लिप्स है, बैंक स्टेटमेंट्स है, ये फ्रिक्वेंटली आते रहे, ये हर दिन आते रहे। बिताखा शख्सिया ले लीजिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, मल्टीपल एस्पेक्ट्स में इसका आते रहे, लेकिन ये काम करना जो है ट्रांसलेशन के काम से उतना मतलब बड़ा नहीं है। ये छोटे काम है जो ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री में, बड़े लेवल पर जब आप काम करेंगे, बड़े स्केल पर काम करेंगे, किताबों का तर्जुमा करेंगे, तो आप एक माहिर मुतर्जिम बन सकते हैं। इसके लिए जो है शख्सी वक्त देने की सख्त जरूरत रहती है। मैं समझ रहा हूं कि मैं आपको जो है इलाबरेट कर पाया। डॉक्टर सुफियान काजी साहब, अगला सवाल। काजी साहब, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकअल्लाह डॉक्टर साहब, इट वाज अ वेरी वैल्यूएबल लेक्चर, एंड आल्सो थैंक टू दारुल हुदा फाउंडेशन, स्पेशल डॉक्टर परवेज our habib mashallah tabarakallah, very encourageable mashallah, and we need to hold such a program, especially for the student of Islamic universities and for the students of any madrasa in India. I hope Dr. Saab and special Darul Huda to continue these lessons, as well as I hope that there will be a special group to explain more updates on the subject, like if there any opportunities and streams for the madrasa's student, and how to connect with your organization in future. Jazakallah khair, very encourageable, and I thank both of you and the other people who joined here. Barakallahu feekum. Thank you. Definitely, we'll proceed for the next sessions also from our end. Very soon, we'll connect with Mr. Parvez very soon. And further, for more information, we'll get in touch with the WhatsApp group. Thank you. तकरीबन सवालात हो चुके हैं, जैसे अब हमारे मुफसिर जावेद साहब, इब्राहिम साहब और नूर अहमद साहब का एक दूसरा सवाल है। अगर इनमें से कोई अवेलेबल हो तो आ जाए, ताकि कलिमतुश शुक्र में दाखिल हो जाए और प्रोग्राम तकरीबन ढाई घंटे का सेशन यहाँ खत्म हुआ चाहता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ इन तीन अहबाब में अगर कोई हो तो सवाल करें, वरना फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा सवाल यह है कि मैं बी ए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, और जो हमारा सिलेबस है वो तो आसान ही है, लेकिन जो दूसरे अरबी अखबार या इंग्लिश अखबार के जो वो दिए जाते हैं पैराग्राफ, उनका तर्जुमा करना बहुत मुश्किल होता है। उसके अल्फाज ढूंढते हैं, बहुत से अल्फाज मिलते हैं। सेटिंग के लिए मैं पूछना चाहता हूं, मतलब कौन सी किताब मुफीद होगी? शेख, आप मतलब कि कौन सा ट्रांसलेशन कौन सा करते हैं आप, किस पेपर वगैरह का? जी, अरबिक से इंग्लिश, इंग्लिश अरबिक, वो बीबीसी से जो न्यूज आती है उनका पैराग्राफ निकालते हैं। आप जो है शेख, इब्तदाई तौर पर आप अपने बैकग्राउंड को तय कीजिए। फर्स्ट मेरा एक इनिशियल आपको मशवरा यह है कि कोई बेसिक किताब, जैसे एजुकेशन पे या कोई जो है कहानी की किताब, जो किस्से की किताब है, उसको जो है अपनी एक ज़बान में कन्वर्ट कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
और मजा आएगा। यानी कि असल होता यह है कि आपको थोड़ा सा करीब आना है, इमीडिएटली जो है न्यूज का ट्रांसलेशन नहीं करना है। न्यूज के साथ सहाफती तर्जुमे के साथ एक बड़ा मसला यह है कि वो जो है बहुत सारी चीजों को एकदम मतलब शॉर्ट में कहना रहता है उनके साथ। न्यूज एजेंसीज के बहुत सारे मसाइल है। मेरे एक करीबी दोस्त है थॉम्स एंड राइडर्स जो कंपनी है, न्यूज एजेंसी, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है। उमरी ब्रदर है अतीकुर रहमान शरीफ साहब बेंगलोर के, माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं रिसेंटली बेंगलोर में उनके साथ था, उनका पूरा प्रोसेस देखा। विदिन सेकंड्स में जो है उनको उनके जो न्यूजेस है उसके ऊपर काम करना रहता है, सेकंड्स भी माने रखते हैं। तो इस वजह से क्या है, आप उस तरीके के, बीबीसी जो है दुनिया की बड़ी एजेंसियों में से आती है, न्यूज एजेंसीज में से आती, वो लोग क्या है डाटा को बहुत बड़े लेवल पे बेचते हैं। असल में उनका जो कंटेंट आपके पास में आता है इमीडिएटली समझने के लिए आपको जबान पे अच्छी लेवल की गिरफ्त होनी जरूरी है, बिलखसूस सहाफती जबान पे। सहाफती जबान का एक बहुत ही खास एक तरीके का खालब है जिसमें उतना मजा नहीं रहता। उसमें होता यह है कि कम्युनिकेशन की तेज रफ्तारी के साथ डिलीवरी पर फोकस किया जाता। अब जब ऐसी चीजों का वो है तो आपको तर्जुमे में, सहाफती तर्जुमे में आपके लिए बहुत ज्यादा छूट रहती है। सहाफती तर्जुमा आपकी जो सुर्खी रहेगी वो बिल्कुल अलग तरीके की नौयत की बनेगी, उनकी जो सुर्खी रहेगी वो बहुत अलग तरीके की रहती है। इसीलिए आप अगर सहाफती तर्जुमा बड़े न्यूज चैनल्स का वगैरह करते तो उसमें थोड़े बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। आप बेसिक लेवल के तर्जुमे से स्टार्ट कीजिए, बाद में जाते जाते जो है आपको मतलब सहाफती तर्जुमे पे आइए। फर्स्ट जो है कुछ लिटरेचर बेस्ड या एजुकेशन बेस्ड, जहाँ पे साफ जबानें जो इस्तेमाल होती हैं, जहाँ पे बिल्कुल आसानी के साथ, जैसे कहानियाँ हैं। अभी हमें जो है मैसूर गया था, CIIL मैसूर, वहाँ पे जो है हमारे बहुत ही करीबी साहब से मुलाकात हुई, अनवर साहब, आप ज़रूर उनसे मुलाकात कीजिए, बेहतरीन काम करें। 99 जो स्टोरी बुक्स हैं उनका जो है तर्जुमा जो है उर्दू में, पंजाबी में और कश्मीरी में एक फ़र्द किए हैं, बहुत ज़बरदस्त। जब इस तरीके के प्रोसेस से हो के आते हैं तो आपको जो है ट्रांसलेशन में भी मज़ा आता और गिरफ्त आती, समझे। मैं समझ रहा हूँ कि इस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए। डायरेक्टली अगर आप मुब्तदी हैं तो आप जर्नलिज्म से स्टार्ट कीजिए, उसका एक पैराडाइम रहता है। यानी कि आपका जो है अहराम मिस्र जैसे रहते हैं, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे होते 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 जो होते हैं माइक्रो लेवल पे जाना रहता, उस तरीके से आप जो है वो कीजिए, इंशाल्लाह काम होता है। या मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह। जी, अगला सवाल। जी कोई किताब खास, कोई किताब का नाम बता दीजिए ऐसी। आप किस बैकग्राउंड के हैं? जी मदरसा बैकग्राउंड से मदरसा में नहीं। आपको डुअल लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं? दो जबाने कौन सी आते हैं? जी हिंदी आती है आपको? उर्दू है, हिंदी है। हाँ, हिंदी में जो है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस बुक बोल के आप जो है सर्च कीजिए अमेजोन पे, उसको जो है एक लिंक मिलेगा आपको, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस बुक जो है आप ले सकते हैं, बेहतरीन बुक है। हिंदी के तनाजुर में आप जो है इस्तेफादा कर सकते हैं, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस पे अच्छी बुक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम पहुंच चुका है, वो जो सवालात का सिलसिला जारी है, तो अभी हम लोग गुजारिश करते हैं हमारे शैबत रहम से कि वो प्रोग्राम का समझिए शुक्रिया के कलिमात पेश करें। इस मौके पर अबू मजहर साहब और यूट्यूब की पूरी टीम अशफाक भाई की इशराफ में, और इसी तरह जेल कंपनी का मैं बता रहा हूँ कि इस हंगामी प्रोग्राम, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस प्रोग्राम की तरतीबात के लिए हमें 24 घंटे ज़ायद नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ महज अल्लाह का फजल था और आप लोगों का हमास था कि प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा, और इस उम्मीद के साथ कि आइंदा इस तरह के कवादिर तैयार करने के हवाले से, तन्मियतुल महारात के हवाले से इंशाल्लाह ये सिलसिला कायम रहेगा। तो शेख शैबतुल हम्द से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो प्रोग्राम का इख्तिताम कलिमे से करें। हाँ जी बिल्कुल, तमाम तब तक एक और सवाल ले लेंगे, हाँ चलो आ गए, हैंड रेज किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين। सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें एक ऐसा प्रोग्राम करने की तौफीक दी जो वक्त की हाजत और ज़रूरत है। फिर इसके बाद मैं आप तमाम मुशारिकीन और हाज़रीन व सामईन का भी शुक्र अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में शरीक होके प्रोग्राम को कामयाब बनाया, और इसी तरह ख़ास तौर से मैं हमारे लेक्चरर जनाब अबू मजहर खालिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि जिन्होंने ये फिक्रा दिया कि ऐसे दौरे कायम किए जाए जो उलमा के लिए मुफीद हो और जो उम्मत की हाजत हो। तो इसी मुनासिबत से हमने ये प्रोग्राम मुनाकिद किए और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कथीर तादाद में शरीक हुए और इस प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं दारुल हुदा की जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे प्रोग्राम करने की तौफीक अदा फरमाए जिससे लोगों का फ़ायदा हो, उम्मत का फ़ायदा हो और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दुआत और उलमा फ़ायदा उठा सकें। और आखिर में एक बात आप तमाम हाज़रीन के लिए कि जो लोग इस दौरे में शरीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में एक लिंक मैं भेज दिया हूँ और दोबारा एक लिंक भेजूँगा, तो आप ग्रुप में जो लिंक भेजा गया है उसमें अपने मालूमात फराहम करें और जो दौरा किस तरह रहा इस ताल्लुक से अपनी राय और फीडबैक ज़रूर दें। हम आपकी ममनून और मशकूर रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। منهج خير الناس جميعا.